वी वर्किंग एज अ टीम में विनय जी एंड नितिन जी हाउ वी कैन सपोर्ट द मेंबर इन डिफरेंट वेनर एंड सो दैट वी डिसाइडेड एवरी वीक वी नीड टू होल्ड सम वर्कशॉप सम सेमिनार टुमारो वी ऑल्सो हैव वन अनदर सेमिनार तो विनय जी elaborate about the seminar and so who will be the speaker and what will be the topic. With these words, not taking much of our time, my good wishes are with you and we have to face this tough time of corona and sitting from home or sometime we are spending our time in office also doing some work from the remote space as concerned. All the best to all of you. Definitely all will be get benefited. Thank you, Vinay ji, for giving this opportunity. I have an interaction with all my members. Thank you, sir. Thank you, Kushwa ji. हमारे भी संदीप जी भी है मेरे पार्टनर फ्रॉम हैदराबाद. संदीप जी आपका भी स्वागत है. बहुत सीनियर मेंबर कृष्ण चंद अग्रवाल जी आपका भी स्वागत है. बहुत सीनियर आप हमेशा मीटिंग ज्वाइन करते हैं. अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि हम बहुत ही अत्युत्साहित हैं ब्रजेश भाई को सुनने के लिए. ब्रजेश भाई की जब बैटिंग होगी तो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन सी मतलब मैटर नहीं होगा, बिल्कुल शांत होगा. मैं नाउ हाई हैंड ओवर टू द माइक ब्रजेश भाई. ब्रजेश जी सर बहुत बहुत धन्यवाद. माय डियर फ्रेंड विनय मित्तल जी, नितिन जी, मुकेश कुशवाहा जी, ऑल अदर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, इतने सीनियर मेंबर अग्रवाल सर, कृष्ण अग्रवाल सर, इट्स डेफिनेटली सिचुएशन जहां आपने बोला. पहली बात तो ये है सर, बैटिंग तो पता नहीं कैसी होगी क्योंकि अभी बारिश हो रही है यहाँ तो बहुत तेज, तो बॉल थोड़ा सा अगर स्किड करके आएगा तो प्लीज मेरे को माफ कीजिएगा. डेफिनेटली अभी कुशवा सर ने, मैं बाकी नितिन जी रिक्वेस्ट करूंगा अगर होस्ट जो हो वो बाकी सभी को फिर अभी फिलहाल म्यूट कर दें क्योंकि वो डिस्टर्बेंसेज आते हैं. सर म्यूट है, सबको म्यूट कर दिया सर. करने का सोचा था. जनरली वेबिनार्स में आदमी खुद से बात करता रहता है क्योंकि सामने बस एक कंप्यूटर स्क्रीन है और खुद से बात कर रहे हैं तो वो चीज बहुत ज्यादा स्पीकर्स को मोनोटोनस हो गई. इतने वेबिनार्स करते करते आप लोग सुनते सुनते काफी बोर भी हो गए हैं अभी तक, तो हमने सोचा कि एक पैनल डिस्कशन का फॉर्म इसको दिया जाए क्योंकि टॉपिक जो हमने चुना है आप सभी अग्री करेंगे द टॉपिक इज अ वेरी वाइड टॉपिक. सबसे पहले तो जीएसटी अपने आप में बहुत बड़ा वाइड लॉ है. जीएसटी का सर और पैर अभी तक तो कोई नहीं जान पाया, उसको बनाने वाले भी. आज स्थिति यह है कि जैसा विनय भाई ने बोला, आज अगर कोई लॉ आता है तो कल उसमें क्या अमेंडमेंट आ जाएगा ये हमको पता नहीं रहता. देखिए जीएसटी किस सोच के साथ आया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये जान लेना कि जीएसटी किस सोच के साथ आया था. सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं फॉर पावर पॉइंट. आई होप मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है. विनय जी जरा आप आगे. ठीक है सर. ठीक है सर जी. आप मेरे को ही दे दो. तो हमने ये सोचा था कि इसको इस तरीके से रखते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बंधना नहीं चाहते. हम किसी एक टॉपिक पर अपने आप को फोकस करके कंसंट्रेट करके और केवल उसी टॉपिक को डिस्कस करें, ऐसा हमारा सोच नहीं था. हम चाह रहे हैं बिकॉज अभी आप देखें 2018-19 अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती तो 2018-19 के एनुअल रिटर्न्स के लिए भी लास्ट डेट इट्स ऑन द 30th ऑफ जून, 30th ऑफ सितंबर. उसको देखते हुए देर आर सर्टेन सिचुएशंस और हाल फिलहाल में अभी आप कोविड से जूझ रहे हैं, हम सब
इट इज डेफिनेटली हार्ड टाइम। मैं तो इनफैक्ट अपने इस आज वेबिनार की शुरुआत ही करना चाह रहा था कि आप सभी की कुशलता और आप सभी के घर परिवार की कुशलता के लिए प्रार्थना करके, जो मैं मनी मन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो कोविड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जीएसटी के अंदर, जब अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोविड ने न सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल को बदला है, बल्कि इस कोरोना वायरस ने हमारी वर्किंग स्टाइल को, हमारे क्लाइंट डीलिंग को और हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आई एम श्योर ऑल द पार्टिसिपेंट्स विल अग्री। कोविड का केवल इन फिजिकल चीजों पर ही इम्पैक्ट नहीं है, कोविड का इम्पैक्ट जीएसटी रिलेटेड भी बहुत बड़ा पड़ा है। अभी हम आगे इस वेबिनार में देखेंगे कुछ एक ऐसे मुद्दे हैं जहां पर बहुत ही, जिसे कहते हैं बर्निंग इश्यूज, ज्वलंत टॉपिक्स, वेयर वी हैव टू टेक। मैं आई थिंक महानगर टैक्स बार इज ऑल्सो अ मेंबर, अ को होस्ट ऑफ दिस वेबिनार। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश कुशवा जी, विनय मित्तल जी, जितने भी हमारे नेतागण हैं या जितने भी पदाधिकारी हैं, कि हमारी कुछ बातों को लेकर के आप ऊपर जरूर जाइए। उन कुछ बातों को लेकर के हमको गवर्नमेंट को अभी से नॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। तो हम यहाँ कवर करेंगे कुछ कोविड एंड जीएसटी, हम कुछ सप्लाई रिलेटेड इश्यूज कवर करेंगे, हम कुछ आईटीसी रिलेटेड इश्यूज कवर करेंगे, कुछ रीसेंट चेंजेस पर डिस्कशन करेंगे। काफी सारे चेंजेस आए हैं, चेंजेस रिगार्डिंग 3B, चेंजेस रिगार्डिंग ड्यू डेट्स, बहुत सारे चेंजेस आए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करेंगे। और इस पूरे सेशन के दौरान कहीं ना कहीं हम आपको थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, उनके क्या रूलिंग्स आए हैं, क्या AAR आए हैं, उनके ऊपर भी, और कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज हम लोग देखेंगे। जैसा जीएसटी के बारे में हमने सोचा था, आई एम श्योर 80-90% जीएसटी वैसा ही है। हम लोग एक क्वेरी सेशन रखेंगे एट द एंड ऑफ द सेमिनार, अगर हमको टाइम मिलता है। व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ जीएसटी, आज जीएसटी को लाने के पीछे व्हाट इज द लाइफ ब्लड ऑफ जीएसटी, अल्टीमेटली द लाइफ ब्लड इज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ जीएसटी। सोच के ये लाए थे जीएसटी कि एक फ्लॉलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बनेगी, जहां वन पर्सन ट्रांसफर्स द आईटीसी टू अनदर, अनदर टू अनदर एंड अनदर टू द फाइनल कंज्यूमर। नाउ द फाइनल कंज्यूमर डज नॉट हैव आईटीसी, उसको आईटीसी लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो अल्टीमेट कंज्यूमर कहलाता है। सो दिस इज बेसिकली द चेंज बिटवीन B2B एंड द B2C ट्रांजेक्शन। इस थॉट प्रोसेस के साथ एक और थॉट प्रोसेस जुड़ा हुआ था, कहीं पर भी इस पूरे दौरान, इस पूरी वैल्यू चेन में, जिसे टैक्स चेन या आईटीसी चेन कह सकते हैं, कहीं पर भी एक ब्रेक नहीं है, एक ब्रेकेज नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेक्शन 7 की बात करते हैं कि सप्लाई, जहां पर सप्लाई का स्कोप बताया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं हमेशा अपनी टीम को बताता हूं, supply has not been defined in the law. Supply की कोई definition नहीं, supply का एक scope है। जब आप section 7 देखेंगे, supply का एक act मंगवा लीजिए, supply का एक केवल scope दिया हुआ है, GST act law में scope of supply in section 7, अभी हम थोड़ा आगे उसको देखेंगे कि scope of supply में क्या है। स्कोप जब दिया जाता है किसी चीज का, मैंने पहला लॉ ऐसा देखा है जहां स्कोप है, डिफाइंड नहीं है कि टैक्सेबल क्या है। देखिए, जीएसटी अपने आप में एक पूरी तरह से एक परिपक्व लॉ है, इट्स अ लॉ विद इन इटसेल्फ विद ऑल 6 or 7 टाइप ऑफ थिंग्स। एक टैक्स लॉ के अंदर बेसिक क्या होना चाहिए, इट हैज टू हैव अ टैक्स बेस, इट हैज टू हैव अ टैक्स रेट, भाई किस बेस पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, उसका एक कलेक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, उसका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, जो आपके रिटर्न्स वगैरह काम करते हैं, जो कलेक्शन मैकेनिज्म है उसमें कलेक्शन होता है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है या हम दे देते हैं। अगर एनफोर्समेंट का एक सिस्टम होना चाहिए, यहाँ पर भी एनफोर्समेंट का सिस्टम, आपके व्हीकल्स को रिस्ट्रेन किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, अगर आप फिर भी टैक्स नहीं देते हैं तो आपकी बिल्डिंग में घुस करके
सर्च एंड सीजर किया जा सकता है। तो जब इस तरीके का एक लॉ है तो लॉ में कहीं कमी तो है, लॉ को समझने में हो सकता है हमारे बीच कमी हो। जीएसटी का येलो वाला एक्ट रखा है मेरी टेबल पर, उस टैक्सिंग स्टैट्यूट के इस तरह के लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं जो कोई भी ऐसा एलिमेंट एनी आइटम विच एंटर्स अ वैल्यू चेन सेक्शन 7 विच एंटर्स अ वैल्यू चेन इट एंटर्स विद टैक्स, फिर वो आगे बढ़ता है, दूसरा टैक्स लग जाता है क्योंकि उसमें वैल्यू एड हो गई, फिर वो और वैल्यू एडिशन होता है उसमें और अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंच जाता है। टैक्स चेन कंप्लीट, गवर्नमेंट इज हैप्पी, हमने टैक्स दे दिया। गवर्नमेंट अनहैप्पी या थोड़ा सा लेस हैप्पी कब हो जाती है, जब हम इस चेन के बीच में एक ब्रेक लगाते हैं, एक कट करते हैं, एक आर्टिफिशियल कट करते हैं। आर्टिफिशियल कट हम किस तरीके से कर सकते हैं? वी कैन प्रॉब्ली वी आर सेंडिंग गुड्स टू आवर ब्रांचेस, इंटर ब्रांच ट्रांसफर अगर हो रहा है तो पहले फॉर्म एफ या बहुत सारे फॉर्म्स चलते थे, उस बेस पर आप इंटर ब्रांच ट्रांसफर कर लेते थे। आज आप अगर इंटर ब्रांच ट्रांसफर करते हैं अक्रॉस द स्टेट तो आपको टैक्स देना पड़ता है, इट इज अ सप्लाई डीम्ड टू बी अ सप्लाई अंडर शेड्यूल वन। अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करते हैं तो शेड्यूल वन के अंदर यू आर लायबल टू टैक्स। जब इस तरीके का लॉ कोई आता है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि उस लॉ के अंदर कुछ समस्याएं, कुछ इश्यूज जरूर रहते हैं। आज हम उन्हीं इश्यूज पर बात करेंगे क्योंकि टाइम ऐसा कोविड का चल रहा है एंड कोविड हैज गिवन यू लॉट टू थिंक अबाउट। आपको न सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना है, हेल्थ के बारे में सोचना है, बट आपको ये भी सोचना है कि हम अब अल्टीमेटली जो क्वेश्चंस कोविड ने खड़े कर दिए उन क्वेश्चंस का क्या करना है। देखिए, हम और आप एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे भी आते हैं तो बहुत छोटे छोटे मुद्दे भी आते हैं। उन छोटे छोटे मुद्दों को अगर हम ठीक तरीके से अपने क्लाइंट को गाइड नहीं करेंगे तो आई थिंक दिस विल बी अ फेलियर ऑन आर पार्ट। ये आपने ठीक किया नितिन जी, मैं अकेला ही बोला जा रहा था, एटलीस्ट अब आप दिखाई दे रहे हैं मेरे को, आई एम थैंकफुल टू यू। सो द फर्स्ट थिंग नितिन भाई विच आई वॉन्ट टू टेक इज कोविड एंड जीएसटी। आई डोंट नो कितने पार्टिसिपेंट्स और कितने रिस्पेक्टेड मेंबर्स को इस चीज में इंटरेस्ट आएगा, बट यहाँ जो टॉपिक्स उठाए गए हैं ये आपसे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले 6 महीने 8 महीने पूछे जाएंगे। व्हाट आर द बेसिक चैलेंजेस, कोविड ने हमें क्या क्या चैलेंजेस दे दिए। देखिए, कोविड हुआ 22-23 मार्च को या 24 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन हो गया। कंप्लीट लॉकडाउन होने के बाद 3 जून, कई कई जगह पर तो अभी तक हम लोग ने ऑफिस रिज्यूम नहीं किया, बाय गॉड्स ग्रेस हमने यहाँ पर 3 जून को ऑफिस रिज्यूम कर लिया था, पर वो जो 69 डेज का एक पीरियड था लॉकडाउन का, इट वॉज अ 69 डेज लॉकडाउन, 69 or 70 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब उसके बाद हम आते हैं देखने तो बहुत सारी चीजों में बदलाव देखा, उन इतनी सारी चीजों में बदलाव देखा, उनमें से कुछ एक मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किए, देयर वर कॉन्ट्रैक्ट रिविजन्स। हम आज अपनी और आपकी बात ही कर लें तो हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स का रिवीजन हुआ है। देयर कैन बी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, अगर आप कंटिन्यूअसली कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे, फॉर एग्जांपल रेंटल, पहले पॉइंट नंबर 2 पर आ जाते हैं, रेंटल इस वक्त कोविड की वजह से इट्स एन एरिया ऑफ मेजर कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है। आप आराम से रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पर आपने एक ऑफिस ले रखा है या शॉप ले रखी है या फैक्ट्री ले रखा है, कोविड के बाद 2.5 महीने का लॉकडाउन हुआ, 2.5 महीने बाद भी कुछ जगह रिज्यूम हुआ है, कुछ जगह रिज्यूम नहीं हुआ है। रिज्यूम हुआ भी है तो इतना रिजम्पशन रेट
कम हो गया है, दैट द वैल्यू प्रोपोजिशंस हैव कम रियली डाउन. मार्केट में आप देखते हैं, हम जिससे भी बात करते हैं कि काम है, अरे नहीं है, काम बहुत कम चल रहा है, देर आर नो कस्टमर्स इवन. रेस्टोरेंट्स तो अभी जाकर के खुले हैं, रेस्टोरेंट्स जो मेजरली रेंटल पर है, उन रेस्टोरेंट्स को या तो रेंट फ्री पीरियड मिला होगा या कम रेंट मिला होगा. लैंडलॉर्ड्स ने, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए, देयर इज अ क्लॉज इन ऑल द कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, देयर इज अ क्लॉज फोर्स ए मेजर. तो फोर्स ए मेजर क्लॉज से इज एक्ट ऑफ गॉड है, अगर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं रहेगा टू द एक्सटेंट वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ब्रीच हुआ है. सो नो ब्रीच विल बी टेकन टू बी अ ब्रीच इफ इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड. आप देखिए सिविल लॉ का टर्म आज हम जीएसटी में यूज करने पर वी हैव बीन फोर्स टू यूज द नॉर्मल टर्म ऑफ अ सिविल लॉ, फोर्स ए मेजर. आज से पहले हमने नहीं सोचा था कि हमको फोर्स ए मेजर कभी जीएसटी में काम आएगा. अगर हमको हमारे लैंडलॉर्ड ने एक रेंट फ्री पीरियड दिया 2.5 महीने का, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्वार्टरली इनवॉइसिंग हो जाती है इन एडवांस कई जगह पर, मंथली इनवॉइसिंग हो जाती है इन एडवांस, मार्च के अंदर मार्च का तो इनवॉइस गया, अप्रैल का भी इनवॉइस चला गया, इनवॉइस बेस है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए ने आपसे इंफॉर्मेशन मंगाया, उसने वो इनवॉइस को GSTR 1 में दिखाया, GSTR 3 भी में दिखाया, एंड टैक्स पे कर दिया. Once the tax is paid, but the tenant comes, I cannot pay you rent for April or May or June, what will happen? देखिए ये कुछ एक questions हैं जिस पर definitely हम सभी लोग सोच रहे हैं, but I think COVID related जितने भी relief packages हैं, मैं आगे थोड़ा सा आपके साथ share करूंगा, उनमें एक रिलीफ पैकेज फोर्स ए मेजर का आना बहुत जरूरी है. एंड दैट्स द रीजन मैं रिक्वेस्ट कर रहा था टैक्स बार एसोसिएशन के मेंबर्स से, विनय जी से, मुकेश जी से और सभी लोगों से, दोज़ हु आर सिटिंग एट प्राउड ऑफिसेस, वहां पर दे शुड टेक इट कि कोई इस तरीके का फ्लायर, कोई इस तरीके की एडवाइजरी गवर्नमेंट से मिल जाए. कुछ लोगों ने लोअर रेंट की भी डिमांड किया कि एटलीस्ट आने वाले 6 महीने, आई हैव दिस केस इन हैंड, हमारे एक क्लाइंट को, इट्स अ वेरी बिग चेन, जहां फूड चेन, तो वहां से उनको जो रेंटल है वो दिसंबर तक 50% पे सेटल हो गया, अप्रैल मई का एंड हाफ जून का रेंटल हैज बीन वेव्ड ऑफ, और आने वाले समय में 50% रेंट पर काम चलेगा. यहां इश्यूज क्या क्या क्रॉप अप हो सकते हैं? वन मेजर इश्यू विच आई सी इज रिवर्सल ऑफ ITC. एक मेजर इश्यू है जो हम अभी इससे उठकर के ऊपर आ जाते हैं चैलेंजेस में, फोर्थ पॉइंट पर. आई थिंक ऑल आर एबल टू व्यू द स्क्रीन. So the challenge is ITC bottlenecks. Just imagine a situation of a restaurant जिसने मार्च में बहुत सारा अपना गुड्स अपने खरीद के रखे हुए थे, काजू बादाम किशमिश एंड ऑल ड्राई फ्रूट्स, एंड 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया. देन देवर हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ हल्दीराम, हल्दीराम की शेल्फ पर बहुत सारे नमकीन के पैकेट्स, मिठाइयां बनी हुई वहां रखी हुई हैं, एंड देयर इज दिस लॉकडाउन, जो पहले पता था कि एक दिन को होगा या दो दिन को होगा या हफ्ते भर को होगा, बट इट एक्सटेंडेड टू 69, 70, 72 डेज. तो वो जो शेल्फ लाइफ है, एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, कोई जनवरी की मैन्युफैक्चर
मार्च के जनवरी की मैन्युफैक्चर जिसका शेल्फ लाइफ 6 महीना है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, वो जून में जाकर के एक्सपायर हो गई। देर वर इनपुट्स ऑफ पेरिशेबल नेचर, मैदा है उसमें कीड़े लग गए, जब 2.5 महीने बाद खोला तो सब सड़ गया, फेंकना पड़ा। वॉट शुड हैपन ऑन इन इन दिस सिचुएशन? देखिए चीजें हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि यही किस्से रोज सामने आ रहे हैं और आप सभी के आ रहे होंगे आई एम श्योर। जब किसी भी तरीके से लॉकडाउन के दौरान आप जा नहीं सकते थे, यू वर प्रिवेंटेड बाय एन एक्ट ऑफ गॉड, यू वर प्रिवेंटेड टू यूज दोज इनपुट्स, यू वर प्रिवेंटेड टू कन्वर्ट देम इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स। सिचुएशन आज हमारे सामने 8-10 जगह आ चुकी है कि गुड्स एक्सपायर हो गए, गुड्स की शेल्फ लाइफ कम थी, एक्सपायर हो गए, सब फेंकना पड़ रहा है। हाउ डू वी डील विद द आईटीसी? देखिए देयर आर स्टैट्यूटरी बैरियर्स, सेक्शन 17(5) द बिगेस्ट बैरियर। व्हाट डज इट से क्लियरली? 17(5) इट क्लियरली सेज कि आपको आईटीसी उन चीजों पर नहीं मिलेगा विच हैव बीन लॉस्ट, destroyed, gifted away, or disposed in such manner. Do we think कि ये जो inputs, जो perishable nature के inputs हैं, उनको जब मैं use नहीं कर पाया हूँ final product बनाने के लिए, क्या उनका ITC मुझे लौटाना चाहिए? वो inputs तो मेरे खत्म हो ही गए, उनमें मेरा पैसा गया था, I purchased them. वो इनपुट का लॉस हुआ, उन पर जो टैक्स मिला था मैं उनका भी लॉस करूं। इज इट व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स और इज इट व्हाट द लॉ वांट्स? इज देयर एनी क्लैरिटी ऑन दिस? आई एम रिक्वेस्टिंग नितिन जी इफ यू कैन प्लीज जॉइन इन वंस विद वॉइस। नितिन जी और विनय जी, एनीबडी कैन जॉइन विद वॉइस? वॉइस इज क्लियर सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो विनय भाई, इन इश्यूज को अगर हम चाहें तो इंटरैक्टिव भी रख सकते हैं मेंबर्स के लिए, मेंबर को चैट बॉक्स, क्योंकि हम यहाँ चैट बॉक्स देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हम चैट बॉक्स देख नहीं पाएंगे, तो अगर आप मेरे को इतना सहयोग कर दें कि किसी एक मेंबर की अगर चैट पर क्वेरी आती है तो आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूं। हाँ, बाद में क्या होगा सर कि वो बहुत सारे पाइल अप हो जाएंगे, कुछ लोग अगर जल्दी लीव करते हैं तो वो चीजें, क्योंकि हम इंटरैक्टिव इसको रख सकते हैं। नहीं, जैसा आप मुझे समझे, अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन प्लीज रीड इट आउट और अलाउ दैट मेंबर टू स्पीक। ओके ओके सर, बहुत तीन चार मिनट आ रही है जी। सो कोविड की वजह से आईटीसी बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा आए हुए हैं, इस तरह के इश्यूज, एक्सपायरी के इश्यूज, देन देयर वर एक्सपोर्टर्स जिनका शिपमेंट, आप इमेजिन करें एक 20 तारीख को मेरा शिपमेंट एक दिल्ली मुंबई पोर्ट के लिए निकलता है, जो वहां 24 तारीख को जाता है और 24 तारीख को लॉकडाउन हो जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको बनाने में मेरा पैसा लगा, मेरे इनपुट्स लगे, एंड माय क्लाइंट अब्रॉड, और ऐसा हुआ है, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, एंड माय क्लाइंट अब्रॉड कैंसल्स द ऑर्डर, क्योंकि उनकी कंट्री में कुछ आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, मेरी कंट्री से कुछ जा नहीं पाएगा, एंड द ऑर्डर्स वर कैंसल्ड। What to, how to deal with it? हमारे पास जब तक कोई क्लैरिटी नहीं होगी तो हाउ विल वी डील विद इट? ठीक है, एज फार एज इनपुट्स ऑफ पेरिशेबल नेचर इज कंसर्न, वी आर ऑफ द व्यू, आई थिंक अक्षय, वी मेड अ कंसेंशस, वी आर ऑफ द व्यू कि
since these are not lost, it's a loss. It's a natural loss. देखिए process loss, natural loss can be of two types, which has been created naturally, which has been which is embedded in the very process. अगर हम spirit का business करते हैं, spirits, alcoholic spirits, तो वो evaporate होगा. It's inherent in the nature में. अगर हम कांच का बिजनेस करते हैं तो कुछ कांच टूटेगा. उसी तरह से अगर ये नेचुरल, अगर नेचुरली एक कोर्ट ऑर्डर से या गवर्नमेंट ऑर्डर से या पैंडमिक से या किसी भी ग्लोबल महामारी की वजह से इट वॉज फोर्स्ड ऑन मी, आई डोंट थिंक जो भी हमारे जैसे किसी भी कंसर्न में ऐसा हो सकता है. मैंने एक फूड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल आपको दिया है. There can be maybe a leather industry जहां 2-3 महीने रखे रखे leather, जो मुलायम leather था वो बिल्कुल सख्त हो गया, unusable. So it's so being sold as scrap. और कहीं भी हो सकता है. ब्रजेश जी, एक क्वेश्चन था मेरा. सर, मेरा एक क्वेश्चन है. मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने अपने एग्जाम्पल दिया, नेचर ऑफ आइटम होता है वो अपने आप ही पेरिसेबल होता है, अपने आप ही हो जाता है, कम हो जाती है उसकी क्वांटिटी. नेचुरल वेस्टेज उसमें कुछ परमिसेबल है नहीं? जैसे आपने भी सारा लॉकडाउन में नेचुरल हैंड सैनिटाइजर सैनिटाइजर भी उसकी क्वांटिटी कम होती है जी ड्यू टू वेपराइजेशन. आपको आईटीसी, बहुत अच्छा पॉइंट मुकेश भाई आपने उठाया है. उसमें आईटीसी रिवर्सल का एज फार एज माय व्यू इज कंसर्न्ड, एन आइटम व्हिच इज which has a nature कि वो अपने आप या तो evaporate हो जाता है, अपने आप उसकी quantity कम होती है, it's embedded in the nature. क्योंकि आप देखें 17.5 को अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ word use किया है, आप दिखाना, मैं I'll request अक्षय. goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples. Goods lost and loss. बहुत बड़ा difference है. The lawmakers जब वो law बना रहे थे तो वो loss भी डाल सकते थे. And इसका एक और बहुत अच्छा example देता हूँ सर आपको. जब हम model law पर जाएंगे, हालांकि model law अब किसी काम का नहीं है because main law आ चुका है, पर अगर कोई कानून बनता है तो हमें government की मंशा को देखना पड़ेगा. I faintly remember section 11 था remission of duty का, remission of tax का, model law में, जो 2016 में आया था model law, उसमें remission के लिए गुंजाइश थी, एक provision था उसमें, लेकिन 17.5 जैसा कोई item नहीं था. तो यहाँ पर अब हम जब conjoint reading करके देखेंगे तो अब एक और चीज देखें, यहाँ से एक और समझ में आता है. जब हम input tax credit के लिए जाते हैं तो हमें सेक्शन 16 में मिलता है. सेक्शन 16 में जो वर्ड यूज्ड है, दैट वर्ड इज इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई. यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड. आपका कोई ऐसा पेरिशेबल नेचर का गुड्स है, आप लाए तो उसको अल्टीमेटली यूज करने के लिए था. अगर वो प्रोसेस लॉस होता है, इन माय व्यू 17.5 डज नॉट हिट प्रोसेस लॉसेस. बट यहां मैं एक आपकी बात से ही बढ़ करके मैं बात करना चाहूंगा एक्सपोर्टर्स की. एक्सपोर्टर्स का यहां से मुंबई गया हुआ है और मुंबई नावाशेवा पोर्ट पर 24 तारीख से, मार्च से और 3 जून तक उनका ट्रक खड़ा रहा, ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है. एक्सपोर्ट हो नहीं सकता क्योंकि उस कंट्री में मना है. मैं वापस मंगा नहीं सकता हूं क्योंकि मेरी फैक्ट्री लॉकडाउन है. सर, उन गुड्स में बहुत सारा इनपुट लग चुका है, पैसा लग चुका है, टैक्स लग चुका है, जिस टैक्स को मेरे को रिफंड तब मिलता जब मैं उसे एक्सपोर्ट करता. अब वो एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ऑर्डर्स कैंसिल हो गए. डू वी हैव टू रिवर्स दैट आईटीसी? बिकॉज यहां 2-3 तरह के लॉसेस होंगे मुकेश भाई. पहला लॉस होगा मेरे सारे इनपुट्स का, दूसरा लॉस होगा मेरी मैन पावर का जो मैंने सारा बनाया,
जो एड ऑन किया मैंने, तीसरा मेरा लॉस होगा इंसिडेंटल्स का, जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं यहाँ से भेजना, सी एच ए फीस एंड एवरीथिंग, और चौथा लॉस होगा मेरा उस रिफंड का, उस टैक्स का जो मेरी सम कॉस्ट बन जाए. आई एम श्योर देर शुड बी अ क्लियर गाइडलाइन, क्योंकि कोविड भगवान ना करे कभी और हो ऐसा कुछ, ना वो ना भूतो ना भविष्यति, ये भूतपूर्व भूतकाल में कभी नहीं हुआ है. इन द पास्ट सच अ थिंग हैज नेवर हैपेंड, हुई है बट इतना मैग्नीट्यूड नहीं था, देश दुनिया पूरी बंद हो जाए. सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस ऑगस्ट फोरम कि इस चीज के ऊपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ आ जाना चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में व्हेन यू आर प्रिवेंटेड बाय नेचुरल कॉज, आपने ना लॉस्ट किया, ना आपने आपके यहाँ से चोरी हुआ, ना डिस्ट्रॉय हुआ, ना डिस्पोज, आपकी इच्छा नहीं थी कि ऐसा वहां ट्रक खड़ा रहे, आपकी इच्छा थी एक्सपोर्ट हो, रिफंड मिलेगा, देन एक्सपायर्ड गुड्स की हमारी आपकी बात हो ही गई है. शेल्फ लाइफ अगर किसी गुड्स की कम है और वो केवल नमकीन भुजिया का पैकेट 2000 किलो भुजिया रखे 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 आज खराब अगर हो जाती है, तो उसको मैं लॉस्ट मानूंगा, डिस्ट्रॉयड मानूंगा या लॉस मानूंगा? आई थिंक क्लियर इंस्ट्रक्शन शुड कम एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि अभी तक 1920 के एनुअल रिटर्न की डेट अभी तक तो 31 दिसंबर ही है, या शायद बढ़ा दी है, शायद 31 मार्च कर दिए. On this issue, I had a word with the chairman, director's committee. I requested to consider this issue and recommend to the government that some amendment must come. They should issue some circular or guidelines to the department. I will send you a small write-up of what I have thought. तो मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूंगा, यू कैन यूज दैट आल्सो. आई ऑलरेडी टॉक टू देम, ऑलरेडी हैव व्हाट विद देम, उनसे पहले ही बात कर चुका हूं. जी देन ड्यू टू कोविड देयर कैन बी अ सिचुएशन जहां आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का रिवीजन हुआ है, डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है, आप टैक्स अगर दे चुके हैं और फिर आपका डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है, व्हाट शुड हैपन? अगर आपने बिफोर आइदर यू टेक क्रेडिट और या आपको क्रेडिट रिवर्सल करना है तो क्रेडिट नोट के थ्रू, और आपको यू हैव टू टेक इट बैक एंड एडजस्ट इट फ्रॉम योर फ्यूचर लायबिलिटीज, आउटवर्ड लायबिलिटीज. एक और चीज यहाँ जो कोविड के दौरान हमने देखी, देयर वाज अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑर्डर नंबर 40. अब इफ यू रिमेम्बर सेक्शन 17.5 के अंदर मना किया हुआ है दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंसेस विल नॉट बी अलाउड. अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट व्हेन इट इज मैंडेटेड अंडर एनी लॉ, अगर किसी गवर्नमेंट ने बोल रखा है तो उसको आपको लेना है, अदरवाइज नहीं बोल सकते, नहीं ले सकते. यहां MOH ऑर्डर नंबर 40 विच वॉज इशूड ऑन 15th of April 2020, ITC ऑन हेल्थ इंश्योरेंस वॉज मेड मैंडेटरी फॉर फैक्ट्री ओनर्स कि अपने स्टाफ का आप इनपुट टैक्स, आप अपने स्टाफ का इंश्योरेंस कराएंगे, कोविड इंश्योरेंस कराएंगे और फिर उसका आपको क्रेडिट मिलेगा. अगर देखिए कोविड, फिर मैं वापस से कोविड पर आ रहा हूँ कि कोविड ने बहुत सारी चीजों को चेंज तो किया ही है. आज आपको केवल अपने एक एम्प्लॉय से या अपने किसी एक साथी से डर नहीं है, आपको ये भी डर है कि उसकी फैमिली में किसी को ना हो जाए, क्योंकि अगर उसकी फैमिली में हुआ तो आपकी फैमिली तक आ जाए. सो पीपल हैव स्टार्टेड इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑल्सो. Is it in the nature or is it in the course or furtherance of business? Can we fight कि this is in the course or furtherance of business? क्या ऐसा possible है कि मैंने अपने employee का कराया, course and furtherance of business है plus government order, but मैंने extra safety के लिए
उसके फैमिली मेंबर का भी कराया। इन माय व्यू फैमिली मेंबर्स विल नॉट बी कवर्ड। हेलो, इन माय व्यू जी। यस यस हेलो, आई एम इन सीआई। सो इन दैट केस वेयर फैमिली इज आल्सो बीइंग कवर्ड देन पार्शियल आईटीसी विल बी गिवन। Then we have certain issues in supply. I'll come back to the issues maybe a little later. I think so as we see, the scope of supply under GST has been defined in a very categorical manner. There's one first part, which is the substantive part of the law. That substantive part gives you what is supply, what does it include. All 7 or 8 kinds of transactions have been covered. Then it gives you it tells you about import of services. Then it tells you about deemed supplies, which are in schedule 1. Then it further tells you about in the section itself. They have given provisions जहां पर आप bifurcate करेंगे कि क्या supply of goods है, क्या supply of services है। Then उसी law में, उसी section में, section 7 में ये भी mention किया गया है कि ऐसे क्या supplies होंगे which will not be a supply at all, neither a supply of goods nor a supply of services. देखिए शेड्यूल 2, हम शेड्यूल 1 की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। शेड्यूल 2 अपने आप में क्या है, यहां से कुछ चीजें निकल के आएंगी शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3 से। जो सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर वी आर नॉट डिस्कसिंग द लॉ एज सच, इसीलिए आई विल बी स्किपिंग सप्लाई क्या है और आई रीड आउट द लॉ विच यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट। नाउ शेड्यूल 2, it is not a charge standalone per se, it is not a charge, it does not do anything, it has nothing to do with charge, because wahan specifically schedule 2 mein likha hua hai, schedule 2 ke liye section 7 mein, section 7 mein likha hua hai, where anything is a supply under subsection 1, that means under the substantive part, when anything is supply under 1, then if it is a supply of goods or a supply of service, ये देखने के लिए आपको शेड्यूल 2 में जाना। देन वी हैव शेड्यूल 3 व्हिच टेल्स यू क्या चीज सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, कुछ नहीं कहलाएगी। दैट मींस दे विल बी कंसिडर्ड टू बी नो सप्लाईज। ये नया टर्म है, नो सप्लाईज, दे वोंट बी कंसिडर्ड एज नॉन जीएसटी, क्योंकि नॉन जीएसटी वो आइटम होते हैं जो जीएसटी में है पर उन पे जीएसटी लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने भी पेट्रोल है, डीजल है, एचएसडी है, फ्यूल है, दे आर नॉट इनटू, दे आर इनटू जीएसटी बट सम अदर लेटर स्टेज, इसलिए दे आर नॉन जीएसटी आइटम्स। तो एक मुद्दा निकल के आता है डिस्कशन के दौरान कि शेड्यूल 3 की सप्लाईज को एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाना चाहिए या नहीं। ये मुद्दा थोड़ा सा वेबिनार्स में, ये एक मैंने हमेशा पिछले 3-4 महीनों से देख रहा हूं, काफी वेबिनार्स कर लिए, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। हालांकि आप सभी और हम सभी सेफली अपने अपने ऑफिस से या घर से कर रहे हैं, बट एक जो इंटरेक्शन लेस ये वेबिनार्स होते हैं उससे रियल फील नहीं पता चलती, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर अ लाइव 1-to-1 डिस्कशन। एग्रीगेट टर्नओवर में उसको शामिल करना है तो मैं अभी दोनों रोल्स करूंगा, क्वेश्चन भी मैं ही पूछूंगा, आंसर भी मैं ही दूंगा, दिस इज ऑल आई कैन डू आई थिंक। सो वेदर शेड्यूल 3
items will be included in the definition of aggregate turnover? One major question. यहां से देखिए मेजर क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन ये आता है कि लैंड, जब हम शेड्यूल थ्री पढ़ते हैं तो वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सो द थर्ड लास्ट वन इज लैंड, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू शेड्यूल टू पैरा फाइव सेल ऑफ बिल्डिंग. यानी अगर शेड्यूल टू पैरा फाइव में आप जाते हैं जो कि होती है कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो वो शेड्यूल थ्री का पार्ट नहीं रहेगी. पर अगर आप लैंड सिंपल एंड बिल्डिंग सिंपल, पुरानी जमीन पड़ी है पुरखों की, खेत पड़ा हुआ है बेच दिया, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. अगर हमारे पास एक पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई फ्लैट पड़ा हुआ है, बहुत पुराना फ्लैट है, बेच रहे हैं, सिंपल सेल ऑफ बिल्डिंग, इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द एग्रीगेट टर्नओवर, इट विल नॉट बी कवर्ड. बट नोटिफिकेशन 11 व्हिच इज टेलिंग यू द रेट्स, नोटिफिकेशन 11 पैरा 2, इट गिव्स यू कि लैंड पोर्शन कितना माना जाएगा जो अनडिवाइडेड लैंड किसी फ्लैट में होता है. हाउ मच शुड वी टेक इट? 1/3. 18% टैक्स है, 18% का 1/3, हम 12% पूरे पर लगाते हैं. ये हमको सिंपल लगता है सुनने में, अदरवाइज टैक्स ऐसे लगता है कि 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो 1 करोड़ के 2/3 पर 18%. अल्टीमेट रिजल्ट वही है. तो ये जो 1/3 लैंड है, इस लैंड को डू वी हैव टू टेक इट इन द एग्जेम्प्ट पोर्शन? Do we have to take it as a Schedule 3 supply? बहुत सारी जगह देखिए जीएसटी, I understand completely that जीएसटी को अब 3 साल हो गए. मैं नहीं समझ रहा हूं कि मैं आपको अब इन 3 साल में ऐसा नया क्या दे पाऊंगा आज जो आपने 3 साल में नहीं सुना हो. ये चांसेस बहुत ना के बराबर है, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोग बहुत अच्छे से कायदे से पढ़ रहे हैं. पर फिर भी मैं 3 साल से इस तरह के कुछ क्वेश्चन से जूझ रहा हूं जो लोग पूछते हैं, और आज भी क्लैरिफिकेशन नहीं है. इनफैक्ट गवर्नमेंट के भी 2-2 ट्वीट्स अलग अलग है. से फॉर एग्जांपल, मैं यहां से उठकर की एक जगह जाता हूं, रेंटल. कितना सबसे सिंपल एक क्वेश्चन हो सकता है रेंटल का. मैं आगरा में बैठा हुआ हूं, मेरी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में. ये कितना एक सिंपल सवाल है कि मैं दिल्ली में रजिस्ट्रेशन लेना है मुझे या आगरा में. इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ऑल टाइम्स. बट स्टिल अगर हम आज भी ओपन हाउस में बैठे हों और जीएसटी का डिस्कशन कर रहे हों, देयर विल बी 50-50. आधे लोग बोलेंगे आगरा से रजिस्ट्रेशन करके आईजीएसटी चार्ज करो, आधे लोग बोलेंगे दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराओ, लोकल टैक्सेस चार्ज करो. देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स. आज भी सबसे छोटे मुद्दे के लिए हमारा व्यू, हमारा पर्सनल व्यू, एंड वी आर डूइंग इट कि हम आगरा में हैं, आगरा रह करके आईजी चार्ज करते हैं, इंटरस्टेट सप्लाईज मानते हैं. बट देयर आर पीपल जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं और वो वहां दिल्ली में ले जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं. तो सिमिलरली कमिंग बैक टू माय टॉपिक, उस लैंड पोर्शन को क्या मैं एग्रीगेट टर्नओवर से फिर बाहर कर दूं क्योंकि वो शेड्यूल 3 में जाएगा, या मैं उसको शामिल रखूं तो एग्रीगेट टर्नओवर मानूं? इन माय व्यू इट हैज टू बी, जहां तक शेड्यूल 2 पैरा 5 की बात है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, वो पोर्शन पूरा का पूरा विदाउट एक्सक्लूडिंग 1/3, इट बिकम्स योर एग्रीगेट टर्नओवर. नाउ देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग अनदर इंटरेस्टिंग आई मस्ट से इशू, बर्निंग इशू, व्हाटएवर, जो बहुत रिसेंटली एक डबल एआर
developed plots ke liye aaya hai. It was that double AR was from Deepesh Nayak. उस डबल ए आर के अंदर अभी मैं उसका क्रक्स बता देता हूँ. प्लॉट्स को लेकर के डेवलप किया जा रहा था, केवल प्लॉट्स को, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सम सीवेज और मे बी एक ओवरहेड वाटर टैंक वगैरह, बेसिक एमिनिटीज वहां दे करके अंडर कंडीशन फ्रॉम द प्लान पासिंग अथॉरिटी, जो जिसने मैप और जो नक्शा सैंक्शन किया था, उस अथॉरिटी ने ये कंडीशन रखा था कि आप ये बेसिक एमिनिटीज, ये कॉमन फैसिलिटीज करके देना है. अब वो प्लॉट काटा, एक बड़े प्लॉट में से 10 प्लॉट काट दिए और ये एमिनिटीज वहां पर हैं. उन 10 प्लॉट्स का अश्र क्या होगा? What will be the text treatment of those 10 plots? If someone has an insight, थोड़ा मेरे से बात कर सकते हैं, otherwise question का answer मैं खुद ही दूंगा. देखिए, developed plots के लिए दीपेश कुमार नायक double AR में ये बोला गया है. It was Gujarat और Kerala. गुजरात, the Gujarat AAR Authority for Advance Ruling said कि ये taxable है, building taxable है, it will be considered to be construction services under Schedule 2 Para 5. ये मैं बिल्कुल nutshell में बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा. Now इस तरह के जो मुद्दे आते हैं, जहां पर सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी, सबसे पहले तो मैं आपको ये एक सलाह देना चाहता हूं दैट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ऑल द रूलिंग्स, नंबर वन, दे आर पर्सन स्पेसिफिक. जिसने वो रूलिंग ली है, केवल और केवल और केवल उन्हीं पर एप्लीकेबल हो. नंबर टू, इट डज नॉट बिकम द लॉ ऑफ लैंड. हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि अब वो इनफोर्सिबल होगा, बिकॉज वो एक ही बंदे पर लगता है एडवांस. बट द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कल ही मैं इन लोगों से, सभी से, पूरी टीम से इनफैक्ट डिस्कस कर रहा था, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, भले ही डबल ए आर एक सिंगल पर्सन पर अप्लाई करती है, भले ही वो it does not become the law of land, still it is very helpful to understand aakhir lawmakers and judiciary soch kis tarah se thi, aakhir GST mein is soch ke sath ye agar authority for advance ruling ne koi ruling di hai, we cannot just disregard ki are kuch nahi aise de diya hoga. No, we cannot disregard it. But at the same time, we cannot apply it. तो करें क्या? एक तरफ ब्रजेश वर्मा is saying कि इसको disregard मत करो, एक तरफ I am saying कि तुम पे लगता नहीं है. अब जब हम कहीं ना कहीं एक ruling पढ़ लेते हैं तो दिमाग में तो आपके चलता ही है ना कि भाई ultimately करना क्या है इसमें, इस ruling का अब करूं तो करूं क्या? Because एक कीड़ा दिमाग में चल गया कि यार अगर मैंने developed plot बेचे तो मुझ पर टैक्स लग जाएगा, और अगर मैं टैक्स नहीं लगाता हूं तो जिस कस्टमर को मैंने बेच दिया वो डेवलप्ड प्लॉट, कल वो नहीं लौट के आएगा या टैक्स नहीं देगा, गॉड ओनली नोज. देखिए, इन माय व्यू, इन आर व्यू, इन फैक्ट, सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स वर्सेस सेल ऑफ प्लॉट्स, अगर हम इन दो चीजों को बड़े सम्मान पूर्वक देखते हैं, एक तरफ ये एक प्लॉट है जो प्लॉट बिल्कुल रॉ बैरन प्लॉट है, इस तरफ ये एक प्लॉट है जो प्लॉट डेवलप्ड है, बिल्कुल बाजू बाजू में, बिल्कुल बराबर में है ये दो प्लॉट. इस प्लॉट का ये भी 1000 गज, ये भी 1000 गज. जब
हमारे ये प्लॉट्स बिकेंगे, एक इनका प्लॉट था, एक इनका प्लॉट था, मैं बायर, अनडेवलप्ड प्लॉट इन्होंने मुझे बेचा पूरा का पूरा, या 10 प्लॉट काट के उसमें से 10 लोगों को इन्होंने बेचा, और इन्होंने फॉर एग्जांपल 1-1 करोड़ रुपए का एक एक प्लॉट बेच दिया, इन्होंने बेचा, तो क्या ये 1 करोड़ का बेचे? So why are he, why is he increasing the price and she cannot? आज आप ये समझे, यानी अगर आपने डेवलपमेंट किया है प्लॉट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा किया है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। सर्विस टैक्स के टाइम पर भी ये मुद्दा उठा था बहुत बड़े लेवल पर, वहां पर ये जजमेंट किया गया था कि दिस सेल ऑफ प्लॉट, डेवलप्ड प्लॉट कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी सेल ऑफ लैंड, क्योंकि सेल ऑफ लैंड सर्विस टैक्स के टाइम पर भी टैक्सेबल नहीं था। तो वहां ये बोला गया कि ये सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ डेवलप्ड प्लॉट और सेल ऑफ लैंड एक चीज नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली एक जो एक नटशेल में एक क्रक्स निकल के आया वो ये आया कि देयर शुड बी अ सूटेबल मैकेनिज्म जो उस पे की गई सर्विसेज को, उस पे की गई सप्लाईज को, उस टाइम पर सर्विस था, अब इट विल बी बेटर टू यूज सप्लाई, तो उस प्लॉट पर जो एडेड सप्लाईज हैं वैल्यूएशन करके उनको टैक्स दिया जाना, यही हमारा भी व्यू है। बट एक जगह ऐसी इसी तरह के वेबिनार में मुझे एक और फूड फॉर थॉट दिया किसी ने कि सर कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट में नहीं आ जाएगा क्या? काफी सोचा मैंने कि फिर तो ये लैंड ही हो गया या ये प्लॉट ही हो गया, बट देन आई पर्सनली फेल्ट कि द होल एक्ट रूल हैज टू बी अप्लाइड। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द होल एक्ट रूल शुड अप्लाई। जब मैं ये पढ़ता हूं कि शेड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड सिंपल इज नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट मीन्स इट इज नो सप्लाई। जब वो नो सप्लाई है तो सेक्शन 8 के अंदर वो फॉल ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो सप्लाई वर्ड ही नहीं है उसके साथ जुड़ा हुआ। बट देन या तो कॉम्पोजिट, उसमें सप्लाई, दो सप्लाई होने चाहिए, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई, इन कंजंक्शन विद ईच अदर, अगर टू और मोर सप्लाईज देते हैं फॉर वन प्राइस दिस एंड दैट, तो बट वहां दो जो एलिमेंट्स हैं सप्लाई की बेसिक सेक्शन 7 वाली डेफिनेशन में आने चाहिए, और सेक्शन 7 से शेड्यूल 3 को बाहर निकाल दिया है, यानी वो सेक्शन 7 में नहीं है। जो चीज सेक्शन 7 में नहीं है वो सप्लाई नहीं है, आउट ऑफ द बुक्स है। सो इन माय व्यू ओवरऑल उस प्लॉट को जो जितने भी टुकड़े करके बेचा गया है सब पर पूरा पूरा टैक्स नहीं लगाया जा सकता, कंसिडरिंग इट टू बी अ बिल्डिंग। बट मैं ये भी नहीं कहता हूं कि इस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। इन माय व्यू देयर शुड बी अ सूटेबल मैकेनिज्म जिससे आप उसका प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू निकाल करके और उसको खत्म कर सकते। देन देखिए कोविड भगवान से फिर से मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं दैट इट एंड सून दिस कोविड एंड ऑल। बट आप देखें कोविड ने क्या क्या इंपैक्ट किया है, प्लीज आप इसको देखें पार्ट 2। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक जनरल ट्रेंड है, इंपोर्ट होता है टैक्स चला जाता है। अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हैं तो चाहे आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो भी इंपोर्ट हो जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ। बट कोविड ने यहाँ क्या किया, रिसेंटली शी इज गिवन नंबर ऑफ ओपिनियंस
टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज, जहां से स्टूडेंट्स कोविड की वजह से इंडिया आए. बट मिड सेम, थर्ड सेम, सेमेस्टर्स अभी बाकी. सो दोज फॉरेन यूनिवर्सिटीज, दे रिक्वेस्टेड अस टू गिव एन ओपिनियन, फुल फ्लेज्ड ओपिनियन ऑन जीएसटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड इक्वलाइजेशन लेवी. There's this interesting concept of equalization levy. आप ये देखें कि foreign universities ने अब यहां पर पूरा सेटअप किया ऑनलाइन एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, इसमें कोई डाउट नहीं, एक्सेप्ट वेन देर इज ह्यूमन इंटरवेंशन. Except when there is human intervention, or there should be a minimum human intervention. At least कोई switch on off करने वाला तो होगा human. एक बहुत minimum human intervention हो जो setup कर सके. इसके बारे में पूरा detailed discussions है. अगर आप search करेंगे आपको मिलेगा. जब हम देखेंगे कि ह्यूमन इंटरवेंशन अगर बिल्कुल ना के बराबर उस सिचुएशन में टैक्स इज एप्लीकेबल अंडर जीएसटी और सर्विस टैक्स में भी. अब आप यहीं पर उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेकर के चले, इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अब यहां पर पढ़ाना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोविड. आने वाले और एक साल भर तक कोई स्टूडेंट यहां से नहीं जाने वाला. इस सिचुएशन में हम क्या सलाह देंगे उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज को? क्या वो सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी में फॉल कर जाएंगे? उनको यहां पर अपना एक एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा और यहां पर उन्हें पूरा रजिस्ट्रेशन लेकर के टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा? हम अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी हट करके बात करते हैं इंडियन स्कूल्स. आपके हमारे सभी के बच्चे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. सुबह 8:30 बजे शुरू होके 12:30 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं. कई बार प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं. हम अभी स्कूल को भी हटा देते हैं और किसी भी तरीके की अगर ऑनलाइन क्लास, जो पहले ऑफलाइन क्लास थी, फिजिकल क्लास थी, वो अगर आती है तो आपको अब ये एक नई तरह से चीजों को देखना पड़ेगा. देर आर कुकिंग क्लासेस, देर आर स्किल डेवलपमेंट क्लासेस, गिटार क्लासेस. जो पहले आमने सामने बैठते थे, गिटार, माय गिटार टीचर इज टीचिंग मी गिटार ओवर आइदर व्हाट्सएप और एनी अदर सच वेब एक्स और मे बी जूम और एनी अदर सच फोरम एप्लीकेशन. So all these things have to be answered, and I think, in my view, there's no GST on foreign universities because it is involving human intervention. Teacher वहाँ पढ़ा रहे हैं. There's no download of games or anything. It's a physical teaching but over internet. So this is what we opined. I think this we have discussed already, the operational losses and COVID losses, disposal of expired material. Vinay ji, please come in. Abhijit ji, please. We can take just a 5 minutes break. No problem. Just a 5 minutes break. जी, इतने स्क्रीन बंद कर दीजिए ताकि मेंबर डायरेक्ट स्क्रीन शेयर द्वारा कर लीजिए. अच्छा, एक सेकेंड. ठीक है, मेंबर को सीधा सामने लिया हूँ ना, ऐसे ही इस टाइप से. Meanwhile सर, आप क्वेश्चंस मंगा सकते हैं. Meanwhile 5 मिनट में क्वेश्चंस मंगा लें. जी.
यदि आपके लेटेस्ट इशू पर कोई भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं डायरेक्ट टू फेस ब्रजेश जी को, क्योंकि जीएसटी बहुत ही कंफ्लिक्ट है इसमें काफ़ी, यस और नो, कुछ स्पीक ऑथर कहते हैं कि ये टैक्सेबल है, कुछ कहते हैं नहीं टैक्सेबल है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा है इसमें जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में। तो आपके यदि कोई क्वेरीज हो तो पुट अप, यू कैन पुट अप, देन वी विल बी स्टार्ट शेयरिंग द शेयर। Please raise your hand. You can write your queries in the chat box. Members are requested, उनका कोई भी queries है, कोई भी related issue पे कोई question है, वो chat box में डाल दे और direct पूछ भी सकते हैं। संदीप जी कोई क्वेरी हो आपकी? संदीप पनोडिया जी, आर के गुप्ता जी बिवाड़ी से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरी एक क्वेरी है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, ब्रजेश जी अभी रिज्यूम करेंगे तो उस समय क्वेरी आप या तो चैट पे डाल दीजिए या उस समय पूछिए जब ब्रजेश जी आ जाए। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ब्रेक के हो तो बट थॉट प्रोसेस है, कुछ है आप डिस्कस करना चाहते हैं तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। डाउन कर ले नहीं इतने भी, इतने भी चाहे इंस्टीट्यूट का कोई वर्जन है, कोई लेटेस्ट कोई वर्जन था वो प्लीज चेक कर ले। जी इतने कोई इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई क्वेरी, मेंबर की जनरल क्वेरी से रिलेटेड कोई हो तो आप उन्हें प्लीज टेकअप ले लें। वो अभी ब्रजेश जी 5 मिनट में रीज्वाइनिंग कर रहे हैं। जी सर दोबारा बताएं। वेदर वेदर सेल्फ मेड कंप्यूटराइज्ड टैक्स इनवॉइस इज अलाउड? या हाँ सर, श्योरली अलाउड है, अलाउड है। आपको सीरियल नंबर और वो सारी रूल 31 और इन सब सभी चीजों का ध्यान रखना है, उसके अलावा it is allowed, it has to be serially numbered. दूसरी क्वेरी आई है चंद्रमोहन राणा जी की, पेमेंट रिसीव्ड इन अगस्त 2019 बाय कॉन्ट्रैक्टर, बिल नॉट मेड, जीएसटी नॉट पेड, शुड इनवॉइस बी मेड इन करंट डेट एंड करंट सीरियल नंबर and pay GST, how to rectify the error? Sir, जो मैं समझा हूँ, payment आया है August 19 में, विनय साहब, payment August 19 में आया है, और इन्होंने अभी invoice raise नहीं किया है August 19 में, जी, invoice raise नहीं किया था, जी, सर देखिए invoice तो वो आज current date में raise करते हैं। अब यहाँ पर इनके साथ दो प्रॉब्लम्स हो गए, वो अगर अगस्त 19 में पेमेंट आया था तो या तो वो एडवांस आया था। मैं चंद्रमोहन जी को अनम्यूट कर देता हूँ। चंद्रमोहन जी प्लीज अपनी क्वेरी रख लीजिए। हेलो, हेलो जी, नमस्कार चंद्रमोहन जी। ये अगस्त में पेमेंट मिली, एडवांस नहीं था, ये वर्क था उसकी पेमेंट मिली, और ये
उनके बाद में जब ये अकाउंट्स रिकंसाइल किए गए, बैंक द्वारा देखा गया तो उसको पता चला कि पेमेंट आई है, तो वो भी अग्री करेगी हाँ भाई ये मेरे से रह गई, इसको मुझे आपको बताना रह गया कि इसमें मुझे जीएसटी पे करना है। तो अब आज के डेट में इसको किस तरह से इसको रेक्टिफाई करेंगे? सर रेक्टिफाई नहीं, वो तो आज की डेट में आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा जी, और जी. उसका टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। एग्जैक्टली ठीक है सर, बिल्कुल। तो मतलब ये इनवॉइस नंबर हम आज की डेट में आज ही की डेट का आज ही की डेट का देंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी चीज से। तो उसमें ये उसमें ऐसा कर सकते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस तो आज की हो गई और जो सप्लाई डेट है वो बैक पे रख दे, जो जब ये अगस्त की थी, अगस्त 19, तो अब अभी अगर हाल फिलहाल में इसी महीने कर देंगे तो कर देंगे, क्योंकि दिस इज द लास्ट मंथ। ठीक है बिल्कुल सर, इसलिए हमको इनवॉइस डेट तो अभी डाल दें और साइन ऑफ सप्लाई डाल दें अगस्त का, तो आ जाएगा। फिर वो पार्ट फाइव के थ्रू रूट करिएगा, अपने पार्ट फाइव के थ्रू रूट करेंगे सर, जो एनुअल रिटर्न का पार्ट फाइव है उसके थ्रू रूट कीजिएगा इस एंट्री को सर। यहाँ पर राणा साहब की नहीं राणा साहब की क्वेरी से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है। राणा साहब मैं चाहूंगा आप भी सुने इसको। जी 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 देखिए मैं उस तक लाता हूँ, मैं वापस आपको ले आऊंगा फिर इंटरेस्ट वाला पोर्शन रख दिया मैंने। हाँ लास्ट में है, मैं बता देता हूँ, मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। अगर सभी को थोड़ा बहुत याद है तो सेक्शन 51 या सेक्शन 50 51, सेक्शन 50, सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट के लिए है, उस सेक्शन 50 के अंदर एक प्रोविजो जोड़ा गया था फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। अब वो प्रोविजो क्या था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो प्रोविजो ये कहता है कि अगर आपका कोई ऐसा सप्लाई जो आपका किसी एक टैक्स पीरियड का है विच हैज बीन डिक्लेयर्ड, एक बार इसको मैं पकड़ देता हूं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड and declared in the return for the said tax period furnished after the due date shall be levied on the cash portion। विनय भाई इसको आप इस चीज से समझें कि ये लोग ये कहना चाह रहे हैं उस प्रोविजो से जो अभी इफेक्टिव हुआ है फ्रॉम 1st of September 2020, ये आया था लॉ में 1 अगस्त 2019 को, पर तब से अभी तक ये इफेक्टिव नहीं हुआ था, मतलब लीगल प्रोविजन अबेयंस में था एक्ट का प्रोविजन। तो अभी 1st ऑफ सितंबर 2019 से ये इंटरेस्ट का पोर्शन इफेक्टिव कर दिया उन्होंने। अब यह मुद्दा समझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और थैंक यू, मैं मतलब पब्लिकली थैंक्स करना चाहूंगा चंद्रमोहन राणा जी को जो उन्होंने ये इस मुद्दे को उठाया। ये जो प्रोविजो आया वो बोलता है कि इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज मेड इन अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट टैक्स पीरियड व्हिच इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, तो उस पर कैश पोर्शन पे लगेगा। ये वही बात चल रही है सर, आपने बहुत सारे वेबिनार्स में सुना होगा इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी करके जो एक वर्ड यूज किया जा रहा है उसकी बात। तो क्या चंद्रमोहन जी के केस में, हमको इंटरेस्ट ऑन नेट लायबिलिटी लेना है? क्योंकि इनके क्लाइंट के यहां जिससे ये गलती हुई अगस्त 19 से आज तक 1 करोड़ रुपए का फॉर एग्जांपल आईटीसी पड़ा ही हुआ है अनयूज्ड। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओपन टू हाउस है।
सर के क्लाइंट ने अगस्त 19 में जो टैक्स देना था वो आज सितंबर 20 में देंगे, सामने वाले क्लाइंट को आईटीसी मिल जाएगा, वो सब हो जाएगा, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब ये देंगे तो इनके पास आईटीसी रखा हुआ है, इन्होंने आईटीसी से ऑफसेट किया, क्रेडिट लेजर में से खत्म किया और टैक्स पे कर दिया। आज इंटरेस्ट कैसे लगाएंगे सीएम राणा साहब? क्या सेक्शन 50 यूज करूं क्योंकि 1 सितंबर से लग गया? सर बिल्कुल ठीक है सर, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसको वहां से लेंगे या यहां से लेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं इससे भी बड़े मुद्दे पर लाना चाह रहा हूं सर। अगर हम आज सामने होते इस चीज को लेकर के एक ऑडिटोरियम में, जो गाजियाबाद में बड़ा सुंदर सुंदर ऑडिटोरियम है, उनमें से किसी एक में होते हम, तो मैं आपको इसको बताता, मेरे भाव को आप देखते कि मैं इस प्रोविजन से कितना डरा हुआ हूँ। शायद कैमरा पे वो HD इफेक्ट की वजह से मैं दिख नहीं रहा हूँ, घबराया हुआ। आप ये समझे सर कि ये जो प्रोविजन है ये केवल और केवल और केवल तभी लगेगा जब डिलेड रिटर्न होगा, यानी उस पूरे महीने का रिटर्न डिले हो गया। मैं दोबारा से पढ़ रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल फॉर अ टैक्स पीरियड ऑन सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेट टैक्स पीरियड इंटरेस्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी मैं रिपीटेटिव हो रहा हूँ, इसको प्लीज बोर मत होइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said tax period furnished after the due date shall be paid on the cash component, cash shortfall, net cash, whatever nomenclature. Vinay bhai, इससे बहुत अच्छी एक चीज निकल के आई है। इंटरेस्ट इन ऑल अदर केसेस वेयर द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, वेयर द इनकम हैज बाय मिस्टेक इवन एस्केप्ड टैक्सेबिलिटी, अगस्त में सीएम राणा साहब के क्लाइंट ने पूरा रिटर्न फाइल कर दिया, एक सप्लाई रह गई जो बाद में जब रिको हुआ, एक रिको बना तब जाकर के वो निकल के आया कि अरे इस पर तो टैक्स नहीं दिया, और फिर उसने भी कहा यार इस पर तो हमको आईटीसी भी नहीं मिला, तो चलो यहाँ पर सितंबर के रिटर्न में उसको दे देते हैं और हमको प्रोविजन का लाभ भी मिल जाएगा, हमें आईटीसी मिल जाएगा इसका, क्योंकि सितंबर का रिटर्न 20 अक्टूबर तक जाना है, वहां तक का गवर्नमेंट ने इसकी हमें टाइम लिमिट दे रखी है। पर इंटरेस्ट लॉस सीएम राणा साहब के क्लाइंट बेयर करेंगे या उस क्लाइंट के क्लाइंट बेयर करेंगे, ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट आप पर पूरे पर लगेगा सर, चाहे आप पर टैक्स था आपका 500 का और 1 करोड़ का आईटीसी रखा हुआ है तो भी आपको 500 रुपए पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका अगस्त का रिटर्न रह गया गलती से और वो आपने सितंबर 2019 में फाइल किया 10 दिन 20 दिन 15 25 दिन बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर तीनों नहीं फाइल किए, सारे आकर के जनवरी में फाइल किए, वहां ये नेट लायबिलिटी लग जाएगी। अगर आप पे 1 करोड़ रुपए का आईटीसी रखा हुआ है और तीनों महीनों की नेट लायबिलिटी 90 लाख है ग्रॉस लायबिलिटी, तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं देना, नहीं लगेगा, बिल्कुल ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक का सर। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सर। मैं फिर से रिपीट कर दूं टू द ऑगस्ट हाउस एंड गैदरिंग दैट 3 साल में हम सब इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतना पढ़ चुके हैं कि मैं अगर जस्टिफाई नहीं कर पाऊं विनय जी तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं नया क्या दे पाऊंगा आपको आज, आई डोंट नो, बट जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ज्यादा बेटर है सर। एक फॉरेन क्लाइंट, एक फॉरेन सेलर
वो इंडिया में अपने गुड्स बेचने के लिए ब्रिजेश वर्मा को एजेंट अपॉइंट कर देता है। अभी ब्रिजेश वर्मा वहां से ऑर्डर लेते हैं, इनको भेज देते हैं, इनको भेज देते हैं, उनको भेज देते हैं और अपनी कमीशन ले लेते हैं। अब ये कमीशन, ये तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि मैं कमीशन एजेंट हो गया, और क्योंकि मैं कमीशन एजेंट टू अ फॉरेन बॉडी हूं तो मैं प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन 13 में फॉल करूंगा, 12 में करूंगा, 13 में। जब मैं सेक्शन 13 में फॉल करता हूं तो वहां पर सब रूल सब सेक्शन 8 आई थिंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 8 ये कहता है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरमीडियरी सर्विस, वहां दो तीन सर्विसेज और हैं बैंकिंग वगैरह, इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज सर्विसेज द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सप्लायर, यानी द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंडिया, एंड वंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंडिया सो आई डू नॉट क्वालिफाई एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। बहुत रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट ने इस चीज पर अपनी राय भी व्यक्त की है कि मैं एक्सपोर्ट में फॉल नहीं करता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम नॉट एन एक्सपोर्टर, आई ऑल्सो नो एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस में नहीं, पर मेरे को समस्या ये है कि मैं अल्टीमेटली व्हाट इज द नेचर ऑफ टैक्स, नेचर ऑफ सप्लाई, ये आप मेरी स्लाइड्स देखेंगे तो दिस इज द नेचर ऑफ सप्लाई, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं उस इंटरमीडियरी को देखता हूं तो उसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या मैं लोकल टैक्सेस चार्ज करूं यानी सेंट्रल एंड स्टेट, या मैं IGST चार्ज करूं। एक जगह विनय भाई इस तरह से बात हो रही थी तो मेरे से बोले एक सज्जन के भाई क्या फर्क पड़ता है, कोई भी टैक्स चार्ज करो, आपको तो टैक्स गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट आपस में जो करनी है करती रहेगी, नो दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम इज जो उसका रिफंड मैकेनिज्म है। अगर आप कोई टैक्स गलत दे देते हैं, आजकल आई थिंक उसके लिए थोड़ा लीवे आया हुआ है, अभी हम सेक्शन 77 इतना एप्लीकेबल नहीं है, अभी तो उन्होंने आसानी कर रखी है। अदरवाइज अगर आपको सेंट्रल और स्टेट टैक्स देना था और आपने IG दे दिया तो आपको IG दोबारा देना होगा, इनका रिफंड लेना होगा। ये जो प्रक्रिया है, हम 2,400-500,000-50,000 की बात करेंगे छोटा लग सकता है, जहां पर ये ही चीज करोड़ में पहुंच जाएगी तो ये दोबारा फंड्स को ब्लॉक करना फिर उसका रिफंड लेना, आई थिंक इट विल बी एन इशू। सो हाउ डू वी डील विद दिस सिचुएशन ऑफ इंटरमीडियरीज व्हेन अ फॉरेन क्लाइंट इज इन्वॉल्व एंड आई एम एन इंटर इंडियन इंटरमीडियरी, तो मैं टैक्स कौन सा चार्ज करूंगा? देखिए, लोकल टैक्स चार्ज करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सेक्शन 8 के अंदर ऑफ IGST एक्ट। सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट, इट सेज IGST सेक्शन 8, इट डिफाइंस और इट गिव्स यू द पॉसिबिलिटीज कि कब इंट्रा स्टेट सेल कहलाई जाएगी, कोई भी आइटम इंट्रा स्टेट, क्योंकि अगर मुझे सेंटर ऑफ स्टेट टैक्स लगाना है तो द आइटम हैज टू बी एन इंट्रा स्टेट सप्लाई। मुझे इंट्रा स्टेट सप्लाई प्रूव करने के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं वो इन्होंने बता रखी है इसमें, बट इंट्रा स्टेट सप्लाई इज बेसिकली सब्जेक्ट टू सेक्शन 12, इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12। That means section 12 hai to determine the place of supply in cases, section 12 mein kab hum place of supply determine karte hain, in the cases where both the parties are Indians, you can speak out loud, when both the parties are Indians, to ab jagar agar wo Indian parties hain to section 12 lagta hai and section 8 is subject to section 12। जब दोनों इंडियन होंगे तब ही तो सेक्शन 8 में जाके देखेंगे कि इंडिया में भी दोनों सेम स्टेट में हैं या नहीं। जस्ट ट्राई प्लीज लिंक ऑल दिस थिंग्स।
जब हम ये देखेंगे कि सेक्शन 8 कब लगेगा, विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि दोनों लोग इंडिया में होंगे तब सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। जब सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा तब हम ये देखेंगे कि सेक्शन 8 के लिए दोनों एक स्टेट में हैं या नहीं। तो हम तो पहले ही आउट हो गए इंटरमीजियरी की डेफिनेशन से। देन आई रीच टू, आई थिंक अगर चाहे आप नोट कर लें इस चीज को, सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी। दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि आखिर इंटरमीजियरीज में या इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स टू फॉरेन टूरिस्ट, इनके ऊपर किस तरीके का टैक्स लग रहा है। देखिए मैं जानता हूं जब हम लोग सेल्फ एक बार इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट्स को तो वी माइट फाइंड कि अरे अभी किसी टूर ऑपरेटर से इनबाउंड टूर है तो हम सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स लगा के ही काम कर रहे थे। और कोई बंदा आया दिल्ली में रुका, फिर वो जयपुर चला गया घूमने, फिर वो आगरा आ गया ताजमहल देखने। इस सिचुएशन में किस तरीके का या कौन सा टैक्स लगेगा? टूर ऑपरेटर्स के लिए तो क्लियरली प्रोविजो गिवन है अंडर सेक्शन 8, प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। नंबर टू, नंबर थ्री, सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट रेफर्ड टू इन 15। सेक्शन 15 में जो टूरिस्ट है वो इतने दिन के लिए आता है, इतने कम दिन के लिए आता है, रहने नहीं आता। सो ऑल इन ऑल आई डोंट वांट टू टेक दिस और एक्सटेंड दिस डिस्कशन टू मच, बट इंटरमीजरी और इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स के केस में इन माय पर्सनल व्यू आईजीएसटी शुड बी चार्ज्ड। बट आफ्टर द रीसेंट जजमेंट ऑफ गुजरात हाईकोर्ट आई एम टेकिंग अ बैक। तो अभी आई एम कंटिन्यूसली रीडिंग इट, क्योंकि वो जजमेंट आया था केवल एक मुद्दे पर कि ये एक्सपोर्ट है या नहीं। अब वील हैव टू वेट एंड वॉच कब इस मुद्दे पर या तो कोई रिट होती है या कोई डबल एआर जाती है कि टैक्स का नेचर क्या होगा। वील हैव टू वेट फॉर इट। अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक विनय भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ज्वलंत बर्निंग टॉपिक है, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। मैं यहाँ इनको डिफाइन नहीं करूंगा बिकॉज एवरीबडी नोज क्या कंपोजिट होता है क्या मिक्स्ड होता है। मेरा बस इतना सा पूछना है कि फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट सप्लाईज क्या होते हैं। कंपोजिट सप्लाईज के लिए सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, नेचुरली बंडल्ड। अगर कोई भी चीज नेचुरली बंडल्ड एंड दे आर those supplies are made together as a conjunction और वो naturally bundled है तो वो supplies आपके केस में composite supply कहलाएंगे। अगर कोई ऐसे supplies है जो artificially bundle किए गए but for a single price तो they'll be treated to be mixed supplies। अभी जब हम मिक्स सप्लाईज और कॉम्पोजिट सप्लाईज की बात करते हैं तो इज इट नेसेसरी, आई अगेन विल बी हैप्पी टू हैव पब्लिक इंटरेक्शन इन दिस, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी दो सप्लाईज एक साथ दिए जाएं, चाहे गुड्स चाहे सर्विस या मिक्सचर, कोई दो सप्लाईज एक साथ दिए जाएं बट वो ना तो कॉम्पोजिट हो और ना ही मिक्सड हो। Is it possible that there is a third method of classification? जैसे हम अगर आपस में नाम दे दें, maybe a combined supply. क्या ऐसा possible है कि composite supply, mixed supply के अलावा एक combined supply भी हो जाए? कि एक दो तीन supplies एक साथ दे दी लेकिन 5% वाले का 5% rate, 10 वाले का 10 sorry 12 वाले का 12 रेट, 18 वाले का 18, 28 वाले का 28, एक सिंगल बिल में बना करके दे दिया और टैक्स ले लिया। इज इट पॉसिबल? इन माय व्यू सर्टेनली इट इज पॉसिबल इन सर्टेन केसेस। देखिए जरूरी नहीं होता है
मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होता है कि कोई भी सप्लाई आइदर इट इज नॉट कंपल्सरी दैट अ सप्लाई हैज डेफिनेटली टू बी आइदर अ कॉम्पोजिट और अ मिक्स सप्लाई. आप किसी भी ऑथराइज सर्विस स्टेशन जाते हैं, वहां पर आपसे आपको गुड्स भी लगते हैं, आपके पास आपकी गाड़ी में हेडलाइट टूट गई, हेडलाइट भी लगती है, उस हेडलाइट को लगाने का लेबर भी लगता है, नेचुरली बंडल्ड है, लेबर 18% है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपोनेंट लगाया, प्लग लगाया, या कोई आपका छोटा मोटा कोई सर्किट ब्रेक हो रहा था और वो 5% रेट पर है फॉर एग्जाम्पल, तो विल इट बी कंसिडर. और वो पार्ट है 10,000 रुपए का, उसको लगाने के 1,000 रुपए, तो क्या हम ये कहेंगे कि पूरे 11,000 पे सिर्फ 5% टैक्स लगेगा? या क्या हम ये कहेंगे मिक्स सप्लाई हो गई तो पूरे चीज पर 18% टैक्स लगेगा? या हम ये भी पॉसिबिलिटी के साथ कह सकते हैं विथ स्ट्रेंथ कि 5% 10,000 रुपए पे 5% टैक्स लगेगा और 2,000 या 1,000 रुपए पर 18% टैक्स लगेगा? कह सकते हैं हम कि इन आर व्यू देर इज अ थर्ड जेंडर, देर इज अ थर्ड जेंडर इन दिस फैमिली ऑफ टू जेंडर्स, वन इज कॉम्पोजिट एंड वन इज अ मिक्स सप्लायर. देर इज अ थर्ड सप्लायर विच इज वेरी वेरी मच पॉसिबल. आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक आपने जीन्स डेनिम परचेज किया 18% रेट फॉर एग्जाम्पल, आपने एक परफ्यूम लिया 28% वाला, आपने गॉगल्स लिया 12% वाला, अलग अलग मिक्सचर किया, बिल एक ही मिला आपको, आप थैला उठा के घर आ जाते. देखिए द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड विल फ्लो फ्रॉम द सप्लायर टू द रेसिपिएंट. इट शुड फ्लो फ्रॉम द सप्लायर टू द रेसिपिएंट, नॉट वाइस वर्सा. मैं तो ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, ऑल मिक्स बैक किया और मैं ले आया. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप किसी मिठाई की दुकान पे दिवाली पे जाते हैं, आपने उठाया एक चिप्स, आपने उठाया एक कोल्ड ड्रिंक, आपने उठाया ये वो 28, 18, 12 सभी का, और आपने एक टोकरी भी उठाई वहां से और उसमें सब रख करके आप खरीद कर ले आए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मिक्स सप्लाई, नाइदर कॉम्पोजिट सप्लाई. आपने एक एयर कंडीशनर वाले से सर्विसिंग कराने के लिए बुलाया, उसने बताया सर आपका ये पार्ट खराब है, एसी का कंप्रेसर खराब है, नया कंप्रेसर डलेगा, कितने का आएगा जी? 10,000 रुपए का आएगा. आप क्या लोगे? 2,000 रुपए. हमेशा आपने सुना होगा कि अरे सर अगर आपकी जान पहचान का है तो बढ़िया कंप्रेसर आप ला दो, हम तो डाल देंगे, 2,000 रुपए ले लेंगे. सो इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, इट इज नॉट अ कंपल्सिंग कि वो ही लाएगा और वो ही डालेगा. Neither is saying कि 12,000 रुपए में एसी ठीक कराना, तो ना तो वो मिक्स कर रहा है ना वो कंपोजिट कर रहा है. In my view, he'll charge whatever rate on 10,000 and whatever rate or 18% rate on 2,000. So another interesting thing is sir, is it being said to me, Amlal sir? Okay. Bijay ji, please continue. Okay, sure. Thank you. So GST law versus contractual obligations. क्या हमारे और आपके बीच में किया हुआ कोई भी वादा जीएसटी लॉ से ऊपर हो सकता है? आप देखें ना, ईज ऑफ पेमेंट हुआ है अभी कोविड के दौरान कि ठीक है 6 महीने बाद पेमेंट कर देना. मार्च का कोई इनवॉइस था, मार्च में मेरे पास गुड्स आ गए थे, उस मार्च के गुड्स के लिए मुझे पेमेंट 3 महीने में करना था, 6 महीने में करना था. फॉर एग्जाम्पल फेब्रुवरी का कोई बिल था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बाय 31 अगस्त मुझे पेमेंट करना था उसका, उसने मेरे को 3 महीना एक्सटेंशन दे दिया. डू आई हैव टू रिवर्स माई आईटीसी?
because of section 16(2) 180 days. Do I have to reverse my ITC? Technically, yes, I will have to. 270 दिन का टाइम मेरे को मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी लॉ ने 180 दिन बोला हुआ. But I think suitable is should follow and should flow in fact from the government. So I think the RCM on director's remuneration is pretty square now. बड़ा सिंपल अब हो गया है. पहले जो कंफ्यूजन थे बहुत सारे different Rajasthan double AR, I think it was saying something else. Claycraft and Karnataka was saying something else, but now the circulars have made it pretty much clear that directors, if they are employees, that is section 192, then no GST. If directors are being paid something, it falls under 194 J, or maybe any other 194 C or professional J, anything. So then this will be subject to GST. But यहाँ एक मुद्दा छोटा सा है जो आपको और मुझे याद रखना है. Any person who is an employee is not an employee just because he says he is an employee. Self-assessment के basis. Not on the basis of self-assessment. Department assessment. The department should accept your ITR in the form of an employee. आपने यहाँ ITR फाइल किया और उस ITR को फाइल करने के बाद आपको स्क्रूटनी हो गया. आपके जब चेक किया गया, there was no employment contract. It was a contract for professional services. You are not even a WTD, whole time director. You're taking sitting fees or anything. And you're manipulating it in this way, so it won't be treated. आपने और आपकी कंपनी ने क्या किया वो नहीं. Even the authorities must accept you as an employee. That's more important. Then there are certain other practical issues which need consideration. I think Vinay ji, if you can come in, please. जी प्लीज जी प्लीज जी सर. ये टिल हमें अभी कितनी इजाजत और है सर. हम तो देखिए इतने 14 साल हो गए हमें तो आपके आशीर्वाद से जो बोलते बोलते तो अब तो वक्ता जो है भक्ता हो जाता है. जी कोई प्रॉब्लम नहीं. टिल व्हेन कैन आई कंटिन्यू सर. अब जब तक आपका कंफर्ट हो, आपका कंफर्ट नहीं सर. एक्चुअली होता क्या है ना सर, अब इतना ओपन आप दे देंगे तो मतलब वो वाली चीज है ना कि हमें तो बोलते रहना है. तो वो आपके सामने की बात है. हम और आप थे जब एक सेमिनार में, तो केवल एक आदमी रह गया था लास्ट में सुनते सुनते. कोई बात नहीं, मैं रहूंगा. तो आप नहीं, आपने उससे पूछा भी था कि भाई आप कैसे रह रहे हो, आपको बड़ा इंटरेस्ट है जीएसटी में. बोले जीएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, ताला मुझे ही लगाना है इस ऑडिटोरियम. तो एवरीबॉडी मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स. तो ऐसा ना हो सब निकल जाए. नहीं मैं देख रहा हूँ. पहले तो आप ऑडिटोरियम में तो बाहर के गेट भी लगवा देते थे, यहाँ तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है सर. वॉच रखिएगा. सो अदर प्रैक्टिकल इश्यूज, देखिए छोटे छोटे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं आपको मुझे थोड़ी सी समस्या दे रहे हैं या थोड़ा सा आपके साथ हमारे साथ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मेडिकल सर्विसेज है. आजकल इतने नोटिसेज आ रहे हैं सर डॉक्टर्स के पास. सर मेरा स्क्रीन शेयर हटा दिया है क्या? नहीं आपने हटाया, आपने हटाया. आपकी बात, आपकी बात. अच्छा अच्छा अच्छा. जी सो When it comes to medical services, हम देख रहे हैं काफी कितने 3-4 notices तो अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ पर आ गए. हो क्या रहा है सर, हॉस्पिटल है कोई. अब उस हॉस्पिटल को कई मेडिकल सर्विसेज में भी कई सारी चीजें हैं जो हम अमूमन ध्यान नहीं रखते हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. सबसे पहली चीज, मेडिकल सर्विसेज आर टोटली एग्जेम्प्ट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट. Right. But उस मेडिकल
एस्टेब्लिशमेंट के जस्ट बाहर एक शॉप आपने रेंटल पर दे दिए चाय वाले को, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए महीने। नाउ दैट 10,000 रुपीज बिकम्स टैक्सेबल बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है। यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अभी रिसेंटली भी क्लैरिफाई हुआ, काफी जजमेंट से भी क्लैरिफाई हुआ, द इम्प्लांट्स और द मेडिसिंस विच आर गिवन टू इन पेशेंट्स, जो वहां पर भर्ती है, जो वहां पर ऑपरेट कराने के बाद रूम में शिफ्ट किए गए, उनको जो ग्लूकोज दिया जा रहा है, इंजेक्शंस दिया जा रहा है, किसी को हार्ट में स्टेंटिंग हुई है, वो जो स्टेंट लगाया जा रहा है, वो कंपोजिट सप्लाई की वजह से इट विल रिमेन आउट ऑफ टैक्स। पर यहां पर सर एक छोटी सी समस्या और एक छोटा सा बल्ब जलता है विनय भाई, ये जो ग्लूकोज की बोतल का चार्ज लगाया उन्होंने, जब डॉक्टर का बिल आया लास्ट में तो बेड चार्ज, 3 दिन के ऑपरेशन चार्ज, एनेस्थीसिया, देन उन्होंने लगाया 12 ग्लूकोज की बोतल चढ़े थे, 10 वोवरान के इंजेक्शन लगे थे एंड ऑल दैट, और वो सभी आपने देखा जो जो रेट लिखी थी, आप चेक कर रहे हैं जो जो रेट लिखी थी वही रेट है और अपना आपने बिल सेटल कर दिया। यहाँ उस हॉस्पिटल ने एक छोटी सी गलती क्या कर दी, मैंने कहा नहीं हॉस्पिटल ने पानी नहीं भरा। सो वहां उस हॉस्पिटल ने गलती ये कर दी सर कि उसने आपसे उन चीजों की MRP चार्ज कर दी जो लिखी हुई थी। अब हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग एग्जेम्प्ट सर्विसेज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 23, क्योंकि 100% एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं तो द हॉस्पिटल डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन। व्हेन द हॉस्पिटल इज नॉट रजिस्टर्ड, अच्छा व्हाट इज MRP सर, इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है MRP की भी, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट में भी हर जगह है। It is the maximum retail price inclusive of all taxes. यही गलती हॉस्पिटल के साथ साथ कॉम्पोजिशन स्कीम वाले डीलर्स भी कर रहे थे। आपने गाड़ी रोकी, आप वहां घुसे, 20 रुपए का अंकल चिप्स लिया और आप चल दिए, 20 रुपए का अंकल चिप्स, 20 रुपए का, 20 रुपए इज MRP। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्लियरली लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट चार्ज टैक्स, अगर कर लिया तो आप कंपोजिशन से बाहर है। ये एक मुद्दा है जो सोचने पर मजबूर कर रहा है मुझे, फाइनलिटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लड़ना तो हमें पड़ेगा क्लाइंट्स के लिए। विनय भाई आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं नहीं बहुत बढ़िया इशू आया आपने जी, हॉस्पिटल का जो एग्जाम जी जी, नॉर्मली ये उठा ही नहीं है, 3 साल में कुछ ऐसा देखने नया जी, निश्चित ही आपने कुछ नया मुद्दा दिया है। कोविड के टाइम में हर एक आदमी कहीं ना कहीं पीड़ित है जी, और हॉस्पिटल एग्जम्प्ट है लेकिन कहीं ना कहीं वो लगाते हैं MRP पे, गलती से वो टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो ये मामला गड़बड़ होने वाला है। दैट इज एज ए जागरूक नेक्ति हमने में तो हम उसको पीने की कंप्लेंट करनी चाहिए हॉस्पिटल की, ताकि या तो टैक्सेशन पे जिम टो रहा है वो टैक्स चार्ज करना डबल ले रहा है, डबल ले रहा है। क्योंकि सर आप ये देखें जब GST आया जी, तो आपको और मुझे अपनी बहुत सारी चीजों में चेंज करना पड़ा, तो ये एक चेंज ये भी होना चाहिए था कि जो कंपनीज है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, वो कंपनीज ही सप्लाई चेन को इस तरह से मैनेज करें कि फॉर, जैसे पहले लिखा रहता है ना सर, फॉर इंडिगो स्पेशली फॉर एयरलाइंस, तो आपको MRP ही 50 रुपए की मिलती है एक 10 रुपए की बॉटल की ऊपर हवाई जहाज में, तो वहां या तो स्पेशली फॉर कॉम्पोजिशन डीलर्स, क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर इतने से नहीं है सर, बहुत सारे इंडिया में, बहुत बड़ा चंक है ये, तो वो MRP 17 रुपए 18 रुपए, इससे अल्टीमेट कंज्यूमर को वो पहुंच पाएगा जो गवर्नमेंट पहुंचाना चाह रही थी। बहुत बढ़िया इशू है, अप्रिशिएट हो रहा है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट इशू सर, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर मेरे को कोई डाउट नहीं है, शेड्यूल 3
एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर शेड्यूल 3, यानी कि मेरा कोई भी एम्प्लॉय मुझे कोई भी सर्विसेज देगा आउट ऑफ टैक्स नेट रहेगी। इस सर्विसेज को देने के दौरान वो कोई रिइंबर्समेंट भी करता है, खर्चा भी करता है, मैं उसको वो रिइंबर्समेंट देता हूं आउट ऑफ नेट। पर अगर वो एम्प्लॉय अपना कोई एसेट लाता है यूज करने के लिए जिसके मैं उसको चार्जेस देता हूं, कि सर मैं नया लैपटॉप खरीदा है बट आई वांट टू यूज इट इन ऑफिस, गिव मी 2000 रुपीस पर मंथ, दिस माइट बी समथिंग। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा और उसका एम्प्लॉय का आपस में बेसिक जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो क्या कहता है। इफ दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर कैरिंग आउट हिज नॉर्मल ड्यूटीज देन आई डोंट थिंक इट विल बी टैक्सेबल, बट देन वील हैव टू सी कि ये किस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है और कहीं वो इस तरह के रीइंबर्समेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर चले गए तो मार्क माय वर्ड्स डिपार्टमेंट आपको खटखटाएगा तो जरूर। विनय भाई, देर आर ऑल्सो सर्टेन अनइंटेंडेड सप्लाईज, मतलब ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा, मैंने लिखा ही पहली बार अनइंटेंडेड, आपको पता भी नहीं है और आप एक सप्लाई दे जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टैक्सेबल एंटिटी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप टैक्स लेते हैं, टैक्स जमा करते हैं, टैक्स लेते हैं, टैक्स जमा करते हैं गवर्नमेंट को। आपने अमेजोन पर बिग दिवाली सेल वाले दिन लॉग इन किया और वहां ये लिखा हुआ था कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स अमेजोन के थ्रू लेते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिल जाएगा। आपने 50,000 रुपए का एक प्रिंटर ऑफिस के नाम से VNC एंड एसोसिएट्स के नाम से आपने और मंगाया और वो प्रिंटर HP का अमेजोन के थ्रू आपके पास आ गया, 50,000 रुपए आपने पे कर दिए, उसका टैक्स इनवॉइस भी आपके नाम से आ गया, आपने ITC ले लिया। 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप भूल गए प्रिंट ले रहे हैं, मार्च में आप अपनी ऑडिट खुद तो कर नहीं सकते, आपने मुझसे कराया, चलो मैं लॉयर हूं, इन दोनों से करा लिया आपने ऑडिट। तो मैंने कहा भाई ये जो 10,000 50,000 के जो 10% 5,000 रुपए जो आए हैं ये किस चीज के हैं। विनय भाई, 9C में आपसे कैश फ्लो की जांच करने के लिए भी बोली गई है जी, तो अब मैं उससे लिंक कर रहा हूं इसको कि 5,000 आपके P&L में पड़े हुए हैं, कैशबैक आया, आप कॉस्ट तो कम कर नहीं रहे क्योंकि ITC पूरा ले चुके हैं, आप 50 का वो असेट में 50 ले गए, ITC आपने पूरा का पूरा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 18% से बन गया 10,000 का ITC एग्जाम्पल, तो आपने वो पूरा ITC ले लिया। ये जो 5,000 है ये क्या है, क्या ये VNC एंड एसोसिएट्स ने कोई सप्लाई दी है जिसके अगेंस्ट उसे ये 5,000 की फीस मिली है? नहीं, नहीं। सर, सप्लाई का स्कोप डिफाइंड है, डेफिनेशन तो है नहीं। सप्लाई इंक्लूड्स ABCD दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें। कॉन्स्टिट्यूशन में सर्विस की डेफिनेशन बड़ी बढ़िया दी हुई है, जहां उन्होंने लिखा है कि एनीथिंग एक्सेप्ट गुड्स इज सर्विस, एनीथिंग। अच्छा, मैं अगर विनय भाई या बाकी सभी मेंबर्स से पूछूं कि क्या आपने उसके कहने पर एक्ट करके 5,000 रुपए कमाए, तो क्या ये आपने नहीं किया है? ये आपने किया है। तो शेड्यूल 2 पैरा 5 में एक छोटी सी एंट्री है, डूइंग एन एक्ट या नॉट डूइंग एन एक्ट, टॉलरेटिंग एन एक्ट और फॉरबियरिंग एन एक्ट, और कंसिडरेशन भी मिला है आपको 5,000 रुपया। ये बहुत सारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी सर सामने,
इंसेंटिव्स होते हैं, कैशबैक स्कीम्स होती हैं, जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मंदिर में आप डोनेशन देते हैं, आपका नाम लिख दिया विनय मित्तल जी 11 लाख रुपए, मुकेश कुशवाहा जी 21 लाख रुपए लिखे हुए हैं, वो मंदिर टैक्सेबल है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा ग्राउंड है और कमरे हैं, दुकानें वगैरह चल रही हैं उसके कंपाउंड में, जिससे रेंट आता है 20 लाख रुपए, टैक्सेबल है वो ट्रस्ट, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, व्हाटसोएवर, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर प्लेस। तो कोई रिलीजियस प्लेस जहां पर जो टैक्सेबल है, वो ट्रस्ट टैक्सेबल है, वो आपसे 15 लाख रुपए लेता है और आपका नाम लिख देता है। क्या वो जीएसटी लगाएगा स्पॉन्सरशिप कह ले, एडवर्टीजमेंट कह ले, किसी भी चीज पे? सर यहां पर आ जाता है आपकी और इंटेंशन। देखिए बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, बट इंटेंशन होना चाहिए, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ये काम हुआ जाना चाहिए। मेरा वहां नाम लिखा हुआ है जहां पर और 500 नाम लिखे हुए हैं दानदाताओं की लिस्ट में, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, इट्स प्योर डोनेशन एंड डोनेशंस आर नॉट टैक्सेबल। ना प्रमोशनल ऑफर्स और बाय वन गेट वन फ्री हर जगह चलते हैं, हर दूसरे दिन आ जाते हैं, एक शर्ट 2000 रुपए की एक शर्ट लीजिए एक और पा लीजिए, 5000 की शॉपिंग पर 2000 की और फ्री, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं। आई थिंक देयर इज सम सर्कुलर, सर्कुलर क्वेश्चन है कि आपका जी जो 5000 रुपए मैंने परचेज करा एज कंडक्टर अपने ब्लाइंड ने, उसका मुझे ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए आपकी राय में? सर टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, मुझे उसकी बिलिंग करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? नहीं, या तो आप बिलिंग करें या उनसे डायलॉग आप क्रिएट करें Amazon के साथ, this as per our understanding of the law, this is taxable. जी, the service, this is an activity which seems to fall under tax. तो मैं आपको करूंगा, अदरवाइज वो कैशबैक है, उसको कम मान लीजिएगा, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मान के खुद से टैक्स दे दीजिए। ओके ओके, हाँ, और B2C इनवॉइस काट के रख के अपनी फाइल में लगा लीजिएगा जहां बाकी क्लाइंट की इनवॉइस करते हैं। बहुत बढ़िया, एक जी और आ रहा है जी, Amazon का एक गीजर आया है जी, सर दोबारा बताएं प्लीज, आपकी आपकी तरफ से शायद एक स्टोरी स्पीकर चालू आपका, एक Amazon पे छोटे छोटे व्यापारी रजिस्टर्ड होते हैं जी, उनसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन Amazon कहते हैं कंपलसरी कराइए आप जी, उनकी रिटर्न पूरी टर्नओवर में 2-4 लाख रुपए हो पाती है जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ए टैक्स कंसल्टेंट हमारे पास आते हैं कि मेरी इनकम टैक्स फाइल कर दीजिए आप जी। अब 2 लाख रुपए की रिटर्न नंबर है, 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और इनकम टैक्स रिटर्न मुझे भरने की 3 लाख रुपए की, मैं अदर अदर टर्नओवर भी ले सकता हूं, जब उसने एक बार टैक्स में इनकम अपनी मान ली जीएसटी में, जो भी मैं अदर इनकम लोग पर टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एज ए प्रोफेशनल हमें कौन करना चाहिए उस केस में, कैसे सेट रखें हम जीएसटी की इनकम से बचना और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न आने में बढ़ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा जी। देखिए सर इसमें क्या होता है, एक तो इसमें अभी ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स को सेल करने पर लोगों को बेनिफिट भी दिया गया है, देयर सम एडवांटेज, एक बार देखो वो मैं आपको आई विल शेयर इट विद यू। यहाँ कुछ रिलैक्सेशन दिया है कि इवन इफ वो है तो वो उसको अलाउ कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से बाहर भी निकाला है, मैं उसको अभी एग्जैक्टली मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, टर्नओवर के उसमें लिमिट से बेसिकली जो कंपल्सरी टर्नओवर है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, दैट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 में ये भी लिखा है अगर आप ई-कॉम के थ्रू करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, तो इस से कुछ रिलैक्सेशन है, आई विल नीड सम टाइम, वो रिलैक्सेशन में खोज करके फिर आई विल सेंड इट टू यू, और आप रिस्पेक्टेड मेंबर का नंबर और ईमेल ले लीजिए तो हम उनको भेज दें। ओके आपके थ्रू मैं भिजवा दूं।
जी सो आई थिंक इट्स 7:03 ऑलरेडी. अब आप इसे थोड़ा सा इंक्लूजन की तरफ लीजिए. हाँ मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि इश्यूज तो सर नेवर एंडिंग इश्यूज हैं. गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है ये बस 2 मिनट में लूंगा मैं प्लीज. सर जो एक्सपोर्टर्स को NEIS लाइसेंसेस मिलते हैं वो FTP 2015-20 में 31/3/2020 को खत्म होना था. वो अब वो एक्सटेंड होकर के जो भी कंप्लायंसेस हैं जो भी होना है वो 31/12/2020 कर दिया है. ये एक अपडेट है, ये इशू नहीं है, ये अपडेट है. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है सर वो ये है कि फ्रॉम 1st of January 2021 अ रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, इस तरह की एक स्कीम लॉन्च की जा रही है जो FM ने अपनी 2020 फरवरी की स्पीच में दी थी. दिस इज अ वेरी वेलकम स्पीच. हाँ उसको सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा एड ऑन भी कर रहे हैं. बेसिकली इस स्कीम में क्या है, कुछ ऐसे टैक्सेस आज भी हैं जो एक्सपोर्टर्स को रिफंड नहीं मिल पा रहे हैं. जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर अभी भी वैट एंड एक्साइज वगैरह जो भी है वो लग रहा है, वो उसका कुछ नहीं मिल पा रहा है. तो उन सबकी रेमिशन को रेमिशन कर. ये सर गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, उन्होंने जो जो बढ़ाई है ऑलमोस्ट हमारे सभी भाइयों को पता है कि किसकी क्या डेट हो गई है. मैं चाहेंगे तो मैं ये अपना पावर पॉइंट आपको दे दूंगा सर, आप चाहें तो इसको भेज दीजिएगा. ब्रिजेश भाई आपके मैं डीप आपके रिकॉर्डिंग के साथ छोटा सा डेल्टा मेंबर पर पहुंच गया. श्योर सर. एंड ये ऑलमोस्ट हमने इसमें शौर्य कुछ डिस्कस कर ही लिया. ऑलमोस्ट 10% ITC वाला है जिसमें पहले रूल 36 में 10% का कैप लगाया गया था ITC में, तो वो हर महीने हमें कैलकुलेट करना पड़ता था. अब कोविड की वजह से थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है टैक्स पेयर्स को कि फरवरी से अगस्त 20th तक का जितना भी कैपिंग का पूरा प्रोसीजर है वो आप सितंबर की रिटर्न में इकट्ठा कर ले सितंबर तक. ओके परफेक्ट. कुछ इंटरेस्ट वगैरह का, कुछ टर्नओवर वगैरह का यू वर सेइंग, कुछ कहना था इंटरेस्ट? अच्छा ठीक. आई थिंक Q&A हम लेना चाहें तो लेने, अदरवाइज हम लेते जा रहे हैं साथ साथ में. ब्रिजेश भाई आप जैसे आप करेंगे ग्लो करेंगे, एक जो जो जिसकी कर लेंगे वन टू वन आपसे मैं. यदि किसी मेंबर की क्वेरी है अपना वीडियो ऑन कर लें और वन बाय वन आप ब्रिजेश जी से बात कर लें. ब्रिजेश जी ने बहुत ही पैसेंस, बहुत ही एक सुंदर वे में प्रेजेंटेशन दिया और सारे ऐसे अनसुलझे क्वेश्चन थे जो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा. जैसे हॉस्पिटल का था हमें नहीं पता चला कि हॉस्पिटल में MRP पे बिल देना ये एक ऑफेंस हो गया है. ऐसी कंपोजिशन स्कीम वाला था, हमारे कुछ बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे ऐसा ऑफेंस कर रहे होंगे, गलती कर रहे होंगे जिसके मारे वो उन पर GST की पेनल्टी जा सकती है. बहुत सारे क्वेश्चन ब्रिजेश जी आपने ना कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन किए बहुत शानदार तरीके से. वर्चुअल मीटिंग नहीं है, ये आपका एक परिवार की मीटिंग है. ब्रिजेश जी बैटिंग कर रहे हैं लेकिन हम सबको नॉलेज हो सकती है, हम भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. नमस्कार विनय जी, पुटअप कर ले. विनय जी आर के गुप्ता भिवाड़ी से. ब्रिजेश जी मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे जो ये कंपोजिशन वाले को ये थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट है क्या? किसी ने अगर फर्स्ट ईयर किसी ने फर्स्ट ईयर में बिजनेस चालू किया और अप टू 40 लाख के बाद उसने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर दिया तो उसको जो कंपोजिशन की जो फीस है वो ये 40,000 एग्जेम्प्ट होगा? नहीं सर, वो देखिए जहां जितना उसका जो स्कीम है वो स्कीम पर उसी हिसाब से चलेगा ना सर, क्योंकि उसमें टर्नओवर पूरा आपका देखा जाएगा और टर्नओवर भी काउंट हो जाएगा, उसके बाद कंपाउंड नहीं करा सकते. नहीं हम आज फर्स्ट किसी ने फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू किया जी और अब 40 पे बात कर रहे हैं. हाँ तो सर 40 से लेके 1.5 तक का कर ही सकता है ना सर. हाँ तो 40 से 1.5 पे ही देना पड़ेगा ना. हाँ बिल्कुल
बिल्कुल ले सकते हैं। 40 पे तो नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, ठीक ठीक सर। सेकंड क्वेश्चन मुझे ये सर जी, सर्विसेज पे कोई एडवांस आता है अपने को जीएसटी डिपॉजिट कराना होता है जी सर? इन केस जो सर्विस रिसीवर अगर अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनके उस केस में हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा क्या? एडवांस अगर आपके पास आपको टैक्सेबल है ना सर्विसेज आए हैं। हाँ मैं अभी हम हमारे ही एग्जांपल ले लेते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज का ना सर। हमारा हमारे पास कोई बंदा आया जो रजिस्टर्ड नहीं है। यस yes. और आपको वो एडवांस में सर्विस मतलब आपको टैक्स देकर जाता है फीस देकर जाता है एडवांस में तो आपको टैक्स चार्ज करना ही होगा ना सर? करना ही है। उसका रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब यानी अभी करना पड़ेगा। ठीक ठीक सर। अच्छा एक क्वेश्चन और है सर। 18 की डेट बढ़ी थी तो 18-19 की बढ़ जाए लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया है। अच्छा तो अभी नहीं कर सकते? नहीं सर। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैंने अपना सारा डिटेल्स है इस पर। आई थिंक मैं अपनी पीपीटी भी सेंड कर दूंगा एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू विनय मित्तल जी, मुकेश सिंह कुशवाहा जी, नितिन जी, व्होमसोएवर आई नो एंड आई कुड नॉट टेक द नेम्स। मैं ब्रजेश वर्मा आपका अपना ही हूँ। So I am really pleased and honored कि आपने मेरे को यहाँ invite किया, especially महानगर टैक्स बार एसोसिएशन उनके सभी पदाधिकारियों को and all the branch members and chairman, past chairman जो यहाँ है, me and my team अक्षय ग्रोवर and शौर्य गोयल CA and advocate अक्षय ग्रोवर, we are really thankful and thank you so much। जी एक मिनट में जी के तिवारी जी के फोटो लेने मैं ब्रजेश जी आपने दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं और आपकी टीम का पूरी सारी स्टडी ग्रुप की अभिनंदन। थैंक यू बहुत अच्छे इश्यूज उठाए। थैंक यू सर। और ये ज्वलंत इश्यूज उठाए करंट सपोर्ट कैडेट IIT 99 बहुत सुन लिया आपने। बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया वायरस। आपने बहुत सारे इश्यूज उठाए और इश्यूज भी ऐसे थे जो रियल प्रैक्टिस में आ रहे हैं और धीरे धीरे आपने डायग में साका कि कतब के 100% जो मैटेरियल है वो इनपुट में गया है और वो आउटपुट के रूप में क्वालिटी कंट्रोल के निश्चित 100% पा रहा है। मैं फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए अपने पार्टनर जो जीएसटी एक्सपर्ट है हमारी फर्म में हैदराबाद से उन्हें इन्वाइट करता हूँ। प्लीज कंक्लूड करिए संदीप। संदीप थैंक यू ब्रिजेश सर फॉर द वंडरफुल सेशन। क्लियरली यू वर टेलिंग दैट यू आर नॉट एडिंग न्यू पॉइंट बट व्हाटएवर पॉइंट्स यू टोल्ड दैट वाज वेरी वेरी वैल्यू एडिटिव एंड इनसाइटफुल। थैंक यू विनय सर एंड अदर टीम मुकेश सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ऑल्सो थैंक यू टू ऑल द ऑडियंस पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग थ्रू आउट द सेशन। Thank you, sir. सर आप म्यूट पे हैं। विनय जी सर कल का जो सेमिनार है उसका टॉपिक और स्पीकर के बारे में भी सर कैन आई लीव
थैंक यू ब्रजेश जी, थैंक यू ब्रजेश जी। कोविड में हम आपका स्वागत केवल अपने दिल की गहराई से कर सकते हैं। आपका मिमेंटो हम अपने प्यार के रूप में आपको प्रेषित कर रहे हैं। तो आप प्रेम की नगरी आगरा में रहते हैं, आगरा में हर एक आदमी रहता है, ब्रजेश जी साथ क्यूट कर गए, आपका प्यार प्रेषित कर रहे हैं, कृपया से स्वीकार करें। मुकेश जी प्लीज। कल का विनय जी, कल का टॉपिक आप बता दीजिए, कल अपना सेमिनार टाइमिंग और सब। टैक्स ऑडिट पर हमारा है, टैक्स ऑडिट में हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, स्पीकर्स इज सो गुड, फिर स्पीकर्स आईटीटी में अपीयर हो रहे हैं, सीए पंकज शाह जी। टैक्स ऑडिट में हमारी बहुत सारी कमी रहती है, चूंकि अब फेसलेस असेसमेंट हो गया है। पहले हम इनकम टैक्स में जाते थे, अपना करेक्शंस कर लेते थे, लेकिन अब हमें बिल्कुल फ्री क्वेश्चन के साथ अपना सबमिशन करना चाहिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। कोई भी हमें छोटी सी भी कमी जाती है तो हमें नोटिस हमारे पास आ जाते हैं। स्कूटनी वन लिमिटेड स्कूटनी कंपलसरी स्कूटनी हमारी ओपन हो जाती है। जैसे मैंने कस्टम ड्यूटी आपकी है किसी केस में, और आपने कस्टम ड्यूटी का आपका जो फॉर्म भरा है, आपने आईटीआर 4 आईटीआर 5 भरा है, उसमें यदि मिसमैच हो रहा है, वो प्रॉपर कॉलम में नहीं भरा है, तो आपको एक नोटिस इश्यू हो जाता है, अनवांटेड एक स्कूटनी चालू हो जाती है। तो टैक्स ऑडिट हम शुरू से स्टार्टिंग से करें, जब से हमने आर्टिकल शिप करी है, उसके में वो कितनी क्या क्या हमें प्रिकॉशन देनी चाहिए, क्या हमें क्या टॉपिक भरे, एज ए प्रोफेशनल ड्यूटी हमारी कंप्लीट हो जाए, वो कल पंकज शाह जी करेंगे। 5 से 7 हम मिलेंगे कल फिर दोबारा से। पुष्पा जी, और कोई आपका कंसर्न आ रहा हो, कोई और चीज़ आप? कल हम मिलते हैं फिर से, सभी का स्वागत है। सभी को एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप जिसको ये शेयर कर सकते हैं सेमिनार के लिए कल के लिए जी, तो आप सबको रिक्वेस्ट कर लें जी, और टाइम से इसे ज्वाइन करें। कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू टू एवरीवन। तिवारी जी, यदि कुछ दो शब्द आप कहना चाह रहे हो, जीके तिवारी जी, आप वॉइस आपकी आई नहीं थी, नहीं आ पा रही है, चलिए इसे फॉर्मली बंद करते हैं। ब्रजेश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे फिर मुलाकात करते रहेंगे, आप इसी तरह हमें सर्विस देंगे और निश्चित ही हम कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय आईसीएल। हाँ हाँ, नहीं तो उसमें नाम जेके अच्छा।